नमस्कार. पद्मभूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख की स्मृति में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित व्याख्यान माला की आज की इस 12वीं कड़ी में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. सर्वप्रथम विद्यापीठ गीत से हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं. आप सभी से गुजारिश है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. धन्यवाद. अब बारी है दीप प्रज्वलन की. मैं चाहूंगी कि मंचासीन सभी मान्यवर सामने आके दीप प्रज्वलित करें. भारतीय संस्कृति में अतिथि के सम्मान एवं स्वागत को सर्वोपरि माना गया है. आज इसी क्रम में हम हमारे विद्यापीठ के कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काणे जी का स्वागत करने के लिए विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर नीरज खटी से मैं अनुरोध करती हूं कि वे आए और सर का स्वागत करें. माफ कीजिएगा, नीरज खटी सर यहां पे नहीं है उपस्थित, तो मैं अनुरोध करूंगी हिरसे सर से कि वे सर का स्वागत करें. हमारे लिए यह बहुत ही फक्र की बात है कि आज के मुख्य वक्ता और अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज जी, जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर हैं और आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं पुनः हिरसे सर से अनुरोध करती हूं. उसी प्रकार विद्यापीठ के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर विनायक देशपांडे जी का स्वागत करने के लिए मैं पुनः हिरसे सर से गुजारिश करती हूं. हमारे बीच मौलाना जी के छोटे बेटे
श्री अब्दुल मजीद पारेख जो इस व्याख्यान माला के दान दाता भी हैं मौजूद हैं उनका स्वागत डॉक्टर हिवसे करेंगे ऐसा मैं उनसे अनुरोध करती हूँ हम सभी इस दुनिया में आते हैं और एक दिन चले भी जाते हैं लेकिन हम में से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज की और लोगों की सेवा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मौलाना जी की मौलाना अब्दुल करीम पारेख जी की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में बिता दी उनका एक ही मानना था कि समाज को या हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो एक बेहतर समाज बनाएं और एक अच्छे समाज की बनाने के पीछे जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी वे मूल रूप से कच्छ के रहने वाले थे बाद में अकोला आए और अकोला से जब नागपुर आए तब उनके पास कारोबार करने के लिए कुछ भी सरमाया नहीं था कोई भी साधन नहीं था और हाथ में भले ही कुछ नहीं था लेकिन एक बात ज़रूर थी और वह थी अल्लाह के ऊपर भरोसा और इसी के चलते उन्होंने लकड़ी का कारोबार करना शुरू किया जो देखते ही देखते फलने फूलने लगा लेकिन अपने इस कारोबारी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने लोगों के बीच जाकर काम करना बहुत ज़रूरी समझा और वे अक्सर कहा करते अल्लाह के ऊपर उन्हें बहुत यकीन था वे कहते कि अल्लाह करीम है और मैं अब्दुल करीम उनकी यह बात शायद वाकई में सच साबित हुई क्योंकि उनके सारे प्रयास जितने भी उन्होंने समाज की सेवा के लिए किए वे बहुत कामयाब रहे होश संभालते ही उन्होंने जो काम करने शुरू किए लोगों के बीच में जाकर वे लगातार करते रहे नागपुर की जामा मस्जिद में उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक काम किया लोगों को कुरान का दर्स दिया शिक्षा दी और एक सरल भाषा में क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुरान जो है वह मूलतः अरबी भाषा में लिखी हुई है जो आम लोगों के समझ के थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आती इसीलिए मौलाना जी ने उसी कुरान की भाषा को सरल बनाते हुए लोगों को उसके बारे में शिक्षा दी और वे चाहते थे कि अपने इस काम में वे हमेशा लगे रहे और इस काम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की ताकि यह काम आगे भी चलता रहे अपने हम ख्याल दोस्तों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और वह था मजलिस ए तालीम ए कुरान जो उन्होंने बचाई और इस कुरान की तालीम को सब और फैलाने का सब तरफ प्रसारित करने का काम उन्होंने बखूबी किया कुरान शिक्षा अभियान के आज जितने भी आपको केंद्र दिखाई दे रहे हैं नागपुर में ही नहीं तो देश के कोने कोने में कई शहरों में कुरान शिक्षा अभियान चल रहे हैं और ये उन्हीं के लगाए पौधे हैं जो आज मजबूत वृक्ष बन गए हैं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मौलाना जी के अपने बेटे भतीजे नाती पोते जितने भी थे वे उन सबको कुरान की शिक्षा तो देते थे लेकिन वे कभी नहीं चाहते थे कि वे एक कठमुल्ला बनकर रह जाए अर्थात आधुनिक शिक्षा भी उन्हें मिले इसके लिए उन्होंने सतत प्रयास किया बहुत कोशिश की और पूरी हद तक वे कामयाब भी रहे तो हम कह सकते हैं कि उनका जो नजरिया था वो संकीर्ण या सीमित दृष्टिकोण को लेकर नहीं था वे एक बहुत बड़ी सोच के धनी थे और उसी बात पर वे हमेशा कायम भी रहे अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई भाषाओं का उपयोग किया संचार माध्यमों को भी उन्होंने उपयोग किया वे एक बहुत ही अच्छे वक्ता और व्याख्याता थे उन्हें सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी क्योंकि वे जिस अंदाज में और जिस शैली में बात किया करते थे वो लोगों को बहुत अच्छी लगती थी अक्सर जनता को वे आम भाषा में संबोधित करते और उनका मानना था कि अलंकारों में बात गुम नहीं होनी चाहिए और न ही
किसी तरह का कोई आडंबर, भाषाई आडंबर उनके पास नहीं था और न ही वे चाहते थे कि भाषा में किसी तरह की कोई धौंस जमाकर अपनी बात मनवाई जाए। उनका तो केवल एक ही मकसद था और वो मकसद था कि अल्लाह के पैगाम को सब लोगों तक पहुंचाना। उनका जो अंदाजे बया था वो कुछ इस तरह का था कि अगर वातावरण जरा सा भी बोझिल हो जाए तो वे छोटे छोटे चुटकुले सुना के उसे हल्का और खुशगवार बना देते थे और अपने इन्हीं अभूतपूर्व कार्यों के कारण उन्हें देश के विशिष्ट सम्मान अर्थात पद्म भूषण से नवाजा गया और उनके व्यक्तित्व के बारे में न जाने कितनी ही बातें किस किस जाबिये से अर्थात किस किस कोण से लोगों तक पहुंची है, उसके ऊपर रोशनी डाली गई है। लेकिन कुछ बातें, कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो अब भी लोगों की आंखों से पोशीदा हैं। जैसे कि हम ये तो जानते हैं कि वे ईश्वर की किताब के मुफस्सिर की हैसियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे एक भाषा शास्त्री भी थे। उन्होंने डिक्शनरी ऑफ कुरान लिखी जिसके बहुत सारे संस्करण छप चुके हैं और इन संस्करणों को देखकर पता चलता है कि डिक्शनरी ऑफ कुरान जो कि बहुत कठिन जिसमें शब्द थे उसे उन्होंने कितना सरल बनाया। इसी के साथ उन्होंने कौमे यहूद और मुसलमान नाम की पुस्तक भी लिखी, कुरान का उर्दू में अनुवाद भी किया। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो उर्दू भाषा के प्रति उनकी महान सेवाएं समझी जा सकती हैं। उनका शुमार नागपुर में उर्दू गद्य लिखने वालों की पहली पंक्ति में आता है। एक और बात जो उनके व्यक्तित्व को लेकर शायद आप सभी उससे जानकार हों, लेकिन फिर भी अपने गुरु मौलाना अबुल हसन नदवी के पयामे इंसानियत के काम को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। जिस मिशन की शुरुआत हुई थी उस मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसे आगे बढ़ाया, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ होता है तो वह है इंसानियत। तो इंसानियत को अपना सबसे बड़ा धर्म मानने वाले मौलाना जी अक्सर कहा करते थे कि दीवारें तो रहेंगी लेकिन दीवारों को ऊंची मत करो, दीवारों को छोटी ही रहने दो ताकि कम से कम हम एक दूसरे को देख सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही तमाम धर्मों के बीच सद्भावना लाने के जो उनके प्रयास हैं वो भी हम हमेशा याद रखेंगे और उन पे अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इस संबंध में एक वाकया याद आ रहा है। आपने ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम सुना होगा, हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े रचनाकार, बहुत बड़े लेखक हैं। उनकी एक रचना में सिख समुदाय के विषय में कुछ ऐसी बात लिखी गई जो कि सिख समुदाय में नाराजगी का विषय बन गई और बात ने तब हवा ज्यादा पकड़ी जब ख्वाजा अहमद अब्बास नागपुर विश्वविद्यालय के अतिथि के तौर पर बुलाए गए और पूरे सिख समुदाय में जो नागपुर का था उसमें एक तहलका मच गया। उस समय मौलाना जी आगे आए, उन्होंने इस आक्रोश को शांत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इन सब के अलावा वे एक ईमानदार व्यवसायी थे, अपने बच्चों के बहुत ही अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे और उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए खास उन्होंने पुरजोर कोशिश की और उनका ये मानना था कि जब तक लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां आगे नहीं आएंगी, परिवार विकसित नहीं होगा। तो लड़कियों को पढ़ाने के वे खास पक्षधर थे। यह बात बड़े ही आश्चर्य की है कि खुद मौलाना जी कभी किसी स्कूल या मदरसे में नहीं गए, लेकिन सीखने की और पढ़ने की ख्वाहिश कुछ इतनी थी कि घर रहकर उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी, जैसे कि उर्दू, गुजराती, मराठी, संस्कृत, अरबी जैसी भाषाओं को उन्होंने घर बैठकर खुद ही सीखा। भाषाओं के प्रति उनका लगाव और भाषाओं के प्रति उनकी आस्था
एक और छोटे से उदाहरण से मैं आपको देना चाहूंगी. उनके यहाँ एक सब्जी बेचने वाली महिला आया करती थी जो कि रोज सब्जी की टोकरी में मराठी का अखबार रखा करती थी. मौलाना जी उससे पूछते कि तुम मराठी का अखबार रखती हो, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? जवाब में महिला कहती कि नहीं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता. तो फिर तुम रोज अखबार क्यों खरीदते हो और क्यों रोज तुम अपने पास उसे रखती हो? तो महिला ने कहा कि मराठी माझी भाषा है म्हणून मी पेपर ठेवते. तो ये जो वाकया है ये भाषा के प्रति मोहब्बत का एक बहुत बड़ी उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं, और खुद मौलाना जी इसका जिक्र कई बार किया करते थे. तो कुछ ऐसी बहुमुखी, जो कहना चाहिए कि व्यक्तित्व के धनी, ऐसे मौलाना जी जिनकी स्मृति में आज की इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है, और हमारे बीच उन्हीं के छोटे सुपुत्र आदरणीय अब्दुल मजीद पारेख जी आए हुए हैं. मैं चाहूंगी कि वो यहाँ आए और अपना मनोगत प्रकट करें. आदरणीय अब्दुल मजीद पारेख जी. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध व हुवल अज़ीज़ुल हकीम. ऑल दैट इज़ इन द हेवंस एंड अर्थ extols the limitless glory of God Almighty. He alone is sovereign and exalted in His might, the super supreme Lord, full of majesty, bounty and honor. Honorable chief guest of the function, Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Dr. Mohammad Aslam Parvaiz Sahab. Honorable President of the program, Mr. Siddharth Vinayak Kaneji, the Vice Chancellor of the University. और मेरे सामने दो हस्तियां ऐसी बैठी हैं जिन्होंने इस मंच पर आज से 3-4 साल पहले अपना व्याख्यान दिया था वैल्यूएबल. मैं ऑनरेबल सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को भी वेलकम करता हूं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, और ऑनरेबल श्री बलबीर सिंह रेणु जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए. Then Honorable Dr. Vinayak Deshpande ji, Pro Vice Chancellor. Honorable Dr. Neeraj Khatti ji ke jagah sir aap aaye hain. Madam Veena Dhare ji and all the dignitaries of the dais. Aap sab logon ki seva mein main apne dil ke gehraiyon se aur apne aatma ke gehraiyon se salam pesh karta hoon. Har saal ki tarah Nagpur University ki taraf se पद्मभूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख मेमोरियल लेक्चर इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसको आज ये लगातार 12वां साल है. आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग हर साल की तरह भारी तादाद में इस प्रोग्राम के सही वक्त पर मौजूद हैं. हमारे भारत में कोई भी प्रोग्राम अपने वक्त पर कभी शुरू नहीं होता. इसकी वजह यह है कि वक्त की पाबंदी को एक बुराई माना जाता है कि फुर्सती आदमी है, वक्त की पाबंदी करता है. और इस तरह IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फैलते हुए इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम बन गया. तो इस प्रोग्राम में वक्त की पाबंदी मेंटेन करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी और आप तमाम ऑडियंसेस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. मेरे भाई और बहनों, आज का सब्जेक्ट है ड्यूटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारियां. मेरे विद्वान और सम्मानित भाइयों और बहनों, मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए कि आज का जमाना नासमझी का दौर है. हालांकि लोग कहते हैं कि ये अकलमंदी का दौर है, लेकिन अगर आप गौर करें और चिंतन मनन करें तो मालूम होगा कि ये नासमझी और अज्ञानता का दौर है. आदमी बुद्धिमान होकर भी ये कह लीजिए कि बुद्धिहीन दिखाई देता है, और अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि अज्ञानता पढ़ लिख गई है, और अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि हमारे एजुकेशन ने, हमारी धार्मिकता ने हमें समाज के प्रति जिम्मेदारियों को सिखलाया नहीं. हम एक तरह के प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजियोसिटी में अपने धार्मिक होने के दिखावे में गिरफ्तार हो गए हैं, और सामाजिक जिम्मेदारियां जो हमसे गायब हो गई हैं. पवित्र कुरान का विद्यार्थी होने की हैसियत से कहना चाहूंगा
कि संसार के मालिक ने हमें प्रोग्राम के एजेंडे बताए कि ला खैर फी कसीर मिन नजवा हूं, इंसानों तुम्हारी कोई भी मीटिंग्स हो, तुम्हारी कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, प्रोग्राम हो, डायलॉग हो, सेमिनार हो, उसमें कभी कोई भलाई बरामद नहीं हो सकती जबकि इन एजेंडों की बुनियाद पर न हो कि इल्ला मन अमर बि सदकतिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। और वो बुनियादें हैं कि चैरिटी यानी सदके वाले काम हो, इंसानी सेवाओं वाले काम हो, सोशल नॉर्म्स को सेट करने वाले काम हो और इंसानों के बीच रिफॉर्मेशन और सुधार लाने वाले काम हो, यानी इंसानी समाज के जो बिगाड़ है उसमें सुधार लाया जाए। वमैय अफल जालिक इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह फसौफ नूतीहि अजरन अज़ीमा। और इन एजेंडों की बुनियाद के पीछे मकसद हो अपने मालिक को की खुशी कि हमारा मालिक हमसे राजी हो जाए, न कि हम हमारी वाहवाही और तारीफ की खातिर ये प्रोग्राम करें। रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को ऐसा ना समझें कि मैं कोई क्रिटिसिज्म या आलोचना कर रहा हूं। अगर आलोचना कर रहा हूं तो अपने आप की भी कर रहा हूं, इसीलिए कि मैं भी इसी समाज का एक हिस्सा हूं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमें खुद अपने गरेबान में झांकना चाहिए, दूसरों के गरेबान में नहीं। समाज की भलाई के लिए हर एक को व्यक्तिगत रूप से आगे आना होगा, इसलिए कि एक व्यक्ति से ही समाज बनता है। इंसानी इतिहास में जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं, कौमों की तबाही, मुल्कों की तबाही, समाज की बर्बादी की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो सब इंसानों के ही करतूत है। ह्यूमन हिस्ट्री में बड़े बड़े दुखांत और मुसीबतें जो आई, वो ज्यादातर उन इंसानों की लाई हुई थी जो पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे और इंटेलेक्चुअल माने जाते थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी देश के इतिहास में यह नहीं मिलता कि उसके समाज के जाहिल और अनपढ़ लोगों ने तबाह किया। आज के इस तालीमी दौर में हम एक गर्व और एक प्राइड में जकड़ गए हैं और एक सेल्फ राइटियसनेस वाले एटीट्यूड में गिरफ्तार हो गए, जिस पर पवित्र कुरान ने कहा कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रा हुस्तगना इन्न इला रब्बे कर रुजा, कि इंसान जब अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, उसमें खुद को सही समझने की प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है, तो उसे बता दिया जाए कि एक दिन उसको मौत आने वाली है और वो अपने रब के सामने हिसाब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। आज हम बहुत सारे क्राइसिस की बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा क्राइसिस लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राइसिस है, जिम्मेदारियों के तरफ से लापरवाही का संकट है। मुझे इस बात का डर है कि आज से 100-200 साल बाद जब हमारा और आपका इतिहास लिखा जाएगा, तो लेखक को कहीं ये ना लिखना पड़ जाए कि 21वीं सदी के यही वो लोग थे जिनमें समाज के प्रति जिम्मेदारियों का कोई जज्बा नहीं पाया जाता था। ये दुनिया न तो हमारा घर है न हमारा ठिकाना। हम याद रखें कि दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, दूसरा मौका जिंदगी नहीं देती। एक लेखक ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कोलैप्सिंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स और मिसाइल्स, इट ओनली रिक्वायर्स द लोअरिंग द मॉरल बिहेवियर इन दिस वर्ल्ड। किसी देश की बर्बादी इस पर नहीं होती कि उस देश पर एटम बम या मिसाइल डाल दिया जाए, देश की बर्बादी की जिम्मेदारी होती है उसके नागरिकों की बदअखलाकी और उनका बुरा आचरण। पवित्र कुरान ने कहा और खूब कहा अफरायत मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु अदल्लहुल्लाहु अला इल्म, जब इंसानी समाज अपना पढ़े लिखे और हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद अपनी आदतों का गुलाम अगर वो समाज बन जाता है, तो उस समाज को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। वह खत्म आला समय ही व कल्ब ही व जाल आला बसर ही गिशावा, इसलिए कि अपनी बदअखलाकी और अनैतिकता से उस समाज का जमीर, उस समाज का अंतरात्मा जो है वो धीरे धीरे मरने लगती है। उस समाज में अकलमंदी और बुद्धिमानी तो होगी लेकिन सही फैसला करने की शक्ति नहीं होगी। उस समाज में आंखें तो होगी लेकिन विजन नहीं होगा और दूरदृष्टि नहीं होगी। बदअखलाकी और अनैतिकता का इतना शोर और गुल होगा कि ये सही बातें उस समाज के लोग सुन नहीं पाएंगे। फमैया यहदी है मिन बादिल्लाह अफला तज़क्करून, तो ऐसे समाज को संसार का मालिक सन्मार और गाइडेंस क्यों देगा जबकि समाज नसीहत को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पद्मभूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब, जिनकी याद में आज प्रोग्राम हो रहा है, वो बतलाते थे कि जब इंसानी समाज में
कलेक्टिवली बिगाड़ फैलता है तो इस पर पवित्र कुरान की एक आयत वो बताया करते थे वत्तकु फितनतल्ला तुसीबन्नल्लजीन ज़लमू मिनकुम खासा वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जब तेज आंधियां चलती हैं, जब बाढ़ आती है, जब समंदर में सुनामी आती है और भूकंप आते हैं तो उस वक्त जो तबाही मचती है तो वो किसी एक ही समाज या एक ही वर्ग को पूछ कर नहीं आती बल्कि सारे समाज के लोग उसके लपेटे में आ जाते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि संसार का मालिक समाज के हर वर्ग से नाराज है और इस दुनिया में ही उनको अपनी सजा की कुछ झलक दिखाता है कि वो अपने आप में सुधार लाए। जरूरत है मेरे भाइयों कि हम अपने जमीर को जिंदा रखें, जिस्म के साथ जिस्मानी चीजें जुड़ी हैं, रूह के साथ जमीर और अंतरात्मा जुड़ी है, शरीर से वंश चलता है और आत्मा से अपने मालिक से रिश्ता जुड़ता है। हम इस आत्मा को मुर्दा होने से बचाएं। इस दुनिया के बनाने वाले ने एक उसूल पर दुनिया बनाई है और वो उसूल है इन गिविंग दैट वी रिसीव, यानी हर चीज इंसानों को सपोर्ट कर रही है और एक गिवर और एक देने वाले की जिम्मेदारी निभाते हुए जी रही है। हर हर चीज को अपने वजूद और अपने अस्तित्व को बाकी रखने के लिए दूसरों से कुछ लेना पड़ता है, लेकिन इंसानों के अलावा हर चीज का मामला यह है कि जितना लेती है उससे ज्यादा देने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर एक पेड़ को ले लीजिए कि वो जमीन से पानी और खनिज लेता है, हवाओं से वो नाइट्रोजन लेता है, सूरज से वो टेम्परेचर और एनर्जी लेता है और इस तरह वो पूरी कायनात से अपनी गिजा लेते हुए अपने पूरे अस्तित्व को दूसरों के लिए डेडिकेट कर देता है। उसकी पत्तियों से जानवरों को गिजा देता है, दूसरों को वो फल फूल देता है, वो लकड़ी टिम्बर वगैरह देता है, ऑक्सीजन देता है और इस तरह वो अपनी सारी जिंदगी अपने आप को दूसरों के लिए डेडिकेट किए हुए होता है। लेकिन इस दुनिया में एक ही क्रिएशन ऐसी है जो दूसरों को दिए बगैर दूसरों से लेना ही जानती है और वो क्रिएशन है इंसान, जिसके ताल्लुक से पवित्र कुरान ने कहा वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। बर्बादी है ऐसे समाज की जिसकी विचारधारा ऐसी बन जाए कि जब लेने का मौका आए तो पूरा पूरा वसूल करते हैं और जब देने का मौका आए तो डंडी मार देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या इंसान ने यह समझ लिया है कि हम उसके जीवन का हिसाब नहीं लेंगे उस दिन जिस दिन सारे इंसान अपने मालिक के दरबार में अपने कर्मों का लेखा जोखा देख लेंगे, जहां सारी फाइलें जो है वो ओपन कर दी जाएंगी। पवित्र कुरान ने कहा वकुल इंसान इन अलजमनाहु तायरहु फी उनुकही वन नुखरिजु लहु यौमल कियामत किताबन यलकाहु मंशूरा। इस दुनिया की अदालतों में हम अपने प्रभाव से अपने इन्फ्लुएंस से फाइलें तो बंद करवा सकते हैं, लेकिन कयामत का वो दिन होगा कि हर इंसान की फाइल खोल दी जाएगी। कहा जाएगा इकरा किताबक कफाब नफ्से कल यौम अलैका हसीबा। कहा जाएगा कि पढ़ ले तेरी ऑडिट रिपोर्ट, आज तू खुद काफी है अपना हिसाब करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, हम कितने ही धार्मिक बन जाएं, कितने ही रिचुअल्स कर लें, नमाज रोजा हज कर लें, कितनी ही पूजा पाठ अर्चना वंदना कर लें, जब तक हम में गॉड कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी का आचरण नहीं आएगा, हम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकते। अभी अभी इस देश में ट्रैफिक के कानून को तोड़ने पर सख्त सजाएं और भारी पेनल्टीज का बिल पास हुआ, इस पर भी बड़ी लेदे मची हुई है और हंगामे हो रहे हैं, लेकिन हम सोचें कि इस तरह का सख्त कानून क्यों पास करना पड़ा? सिर्फ एक रुपये का पेट्रोल या डीजल बचाने की खातिर हम उल्टी साइड से गाड़ी चलाने की आदत हम में है, आगे जाते हुए यूटर्न लेकर सही साइड में गाड़ी नहीं चलाई जाती। सिर्फ एक रुपया बचाने की खातिर हम किसी की जान के दुश्मन बन जाते हैं और अपनी जान के भी दुश्मन बनते हैं, और इसके कई उदाहरण जो है वो शहरों में और हाईवे पर देखे जा सकते हैं। मेरी तो सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक में चलने पर एक और भारी जुर्माना लगाए उस आदमी पर जो अपनी बाइक चलाते हुए पान या गुटके की पीक की ऐसी बौछार मारता है कि पीछे आने वाला उसकी बौछार में बेचारा नहा लेता है। और कमाल की बात है
कि उसको इस हरकत पे शर्मिंदगी भी नहीं होती। आज की इस मुबारक महफिल में हम एक इंसान को मिस कर रहे हैं। उस इंसान की मेहनतों का नतीजा है कि इस यूनिवर्सिटी में मौलाना पारेख मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत हुई। अपनी जिंदगी के 71वें पड़ाव में थे और संसार के मालिक ने उन्हें इस दुनिया से बुलवा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब संसार के मालिक की अमानत हैं और उसी की तरफ हमारी वापसी है। आयत का ये छोटा सा हिस्सा जो मैंने अभी पढ़ा, वो समाज में एक रस्मी डायलॉग बन के रह गया है। जबकि हम इस पर गौर करें तो समझ में आएगा कि आत्मा अमर है, रूह को मौत नहीं। और जब इंसान का इस दुनिया में समय पूरा हो जाता है तो मौत का फरिश्ता अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता, बल्कि अचानक ऑल ऑफ अ सडन आता है। जब हमारा जीवन कभी भी खत्म हो सकता है तो हम इस जिंदगी को सीरियसली और गंभीरता से क्यों नहीं लेते, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि जिंदगी को ख़त्म करने के लिए मौत के अपने तरीके हैं। मौत का करीब होना और उसका अचानक आ जाना जिंदगी में एक बदलाव और एक जागरूकता लाना चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान इस दुनिया से इस तरह आसक्त और अट्रैक्टेड रहता है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि उसके कदम कब्रिस्तान या शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका टारगेट कहीं और है। और ये दुनिया का एक अजूबा ही है कि इंसान एक भ्रम में, एक गलत फहमी में मुब्तला रहता है कि ये दुनिया हमेशा की है। जबकि कदम कदम पर हमें सबूत मिलते रहता है कि मौत जिंदगी के साथ साथ एक साए की तरह लगी हुई है। और ये भी एक सच्चाई है कि इंसान की पैदाइश का तरीका एक ही है जिसकी उम्मीद की जा सकती है और अंदाजा भी लगाया जा सकता है, लेकिन मौत के अपने कई कई तरीके हैं जिनका अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। इंसान की पैदाइश एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है, लेकिन मौत एक अटल सच्चाई है। जिंदगी का एक पेरेंटेज, एक खानदान होता है, लेकिन मौत का कोई खानदान नहीं होता। ये पर्सनालिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है श्री अब्दुल गफूर पारेख, मेरे बड़े भाई, जिनकी मेहनतों में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये हुआ करती थी कि इंसान बगैर किसी मिलावट के अपने मालिक के मैसेज को विदाउट एनी एजेंट इन बिटवीन समझ सके और खुद ही अपनी सूझबूझ और इंटेलेक्ट से अपने मालिक का संदेश इंटरप्रेट करे। इस खातिर उन्होंने अरबी सीखने का 200 घंटों का फंक्शनल अरबी कोर्स तैयार किया। और मैं धन्यवाद देता हूं नागपुर यूनिवर्सिटी को कि इस कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स बनाते हुए इस कोर्स को मान्यता दी। गफूर सर की हमेशा एक कोशिश हुआ करती थी कि वी शुड अलाउ गॉड टू स्पीक हिमसेल्फ, यानी हम ईश्वर को तो अपनी बात कहने दें। वैसे भी इस दुनिया में मजहबी चौधरियों की कमी नहीं है जिनके भाषण, प्रवचन और तकरीरों के शोर में हम खुदा ही की बात नहीं सुन पा रहे। लेट्स प्रे फॉर मिस्टर अब्दुल गफूर पारेख दैट मे गॉड ऑलमाइटी ग्रांट हिम पीस एंड सेल्वेशन। आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। सर, आपका यहाँ आना मुबारक हो और हम नागपुर वालों के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस पर मेरी दुआ है कि मालिक आपको दोनों जहाँ की खुशियाँ दे। और हम नागपुर वालों की ये खुशनसीबी है कि आज इल्म और नॉलेज का समंदर डॉक्टर असलम परवेज अपने ज्ञान की लहरों को नागपुर के किनारे लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। शुक्रिया श्री अब्दुल मजीद पारेख जी, आपने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपने विचार यहाँ रखे और एक चीज की तरफ आपने इशारा किया, वो बात बिल्कुल सही है कि हर व्याख्यानमाला की कड़ी में हम जिन्हें देखा करते थे अब्दुल गफूर पारेख जी को, आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं। पिछले 16 अगस्त को उनका निधन हो गया। मैं चाहती हूँ कि उनकी स्मृति में हम 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर माननीय काणे सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज जी का मानचिन्ह ग्राम गीता
और शॉल श्रीफल देकर सत्कार करें। धन्यवाद सर। आज जिन्हें सुनने के लिए हम बेताब हैं, उत्सुक हैं, हैदराबाद के उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय परवेज साहब को मैं उनसे गुजारिश करती हूं कि वो यहां आए और ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी जो विषय उनको दिया गया है उससे हमें उस विषय पर अपने विचार यहां रखें। आदरणीय परवेज साहब। मोहतरम वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब, जनाब मजीद पारेख साहब, यूनिवर्सिटी के वो तमाम अहदेदार डिग्नेटरीज जो यहाँ तशरीफ रखते हैं और मेरे सामने मौजूद हैं, नागपुर शहर के वो तमाम अजीम हस्तियाँ जो यहाँ मौजूद हैं तशरीफ लाए हैं, ख्वातीनों हजरात, बच्चियों और बच्चों, सलाम अलैकुम, प्रणाम। जो सलाम अलैकुम हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है पीस अपॉन यू। तो ये एक मिशन स्टेटमेंट है कि यू बी एट पीस फ्रॉम माय साइड, कि मेरी तरफ से शांति है आपके लिए, एक शांति का मैसेज है। और नेचुरली उसको करने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप शांति की ही बात करेंगे और शांति से ही रहेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले उस ईश्वर का, परमात्मा का, अल्लाह का, ब्रह्मा का, क्योंकि सारी लीला उसी की है कि उसने ये पॉसिबल किया, मेरे लिए मुमकिन बनाया कि मैं इस अजीम शहर में और ज़िंदगी में पहली दफ़ा, बहुत नाम सुनाता है शहर का कि मुझे आने का मौका मिला, और उसके लिए जो जरिया बने हमारे वाइस चांसलर साहब और मजीद पारेख साहब, तो इसके लिए मैं बेइंतहा आप लोगों का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही इस बात का शुक्र करता हूँ कि जिस हस्ती के नाम से, जिस ज्ञानी के नाम से ये मेमोरियल लेक्चर है, उसमें मुझको बुला के इन लोगों ने मेरी बड़ी इज्जत बढ़ाई है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे शायद क्यों बुलाया गया या मेरा क्या रिश्ता था अब्दुल करीम पारेख साहब से। क्योंकि मेरा ताल्लुक दिल्ली से है, दिल्ली में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, और दिल्ली से बाहर पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक गया था, और फिर अगर निकला तो अब यहाँ वाइस चांसलरशिप के लिए हैदराबाद रहा हूँ, वरना मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहा, उसके कॉलेज में एक मैं पढ़ाया, बॉटनी मेरा सब्जेक्ट था। तो एक टिपिकल मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, वैसे ही मेरी ग्रूमिंग हुई, जिसमें मुझे पूजा पाठ के तरीके, यानी नमाज कैसे पढ़नी है, मस्जिद में जाके पढ़नी है, वो सब सिखाए गए। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रोज़ा रखवाया गया, व्रत रखवाया गया। उससे आगे मुझे नहीं पता था कि ये विचारधारा क्या है, इस्लाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। देखिए, जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और समझा, जो अब तकरीबन 27-28 साल पुरानी बात हो गई, तो उस वक्त जो लोग कुरान के बारे में बात करते थे उसमें पारेख साहब मुझे इसलिए अच्छे लगते थे, अब्दुल करीम पारेख साहब, कि वो जिस रिकन्सिलिएशन की बात करते थे, मोहब्बत की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, वो एग्जैक्टली कुरान का मैसेज था जो कुरान को पढ़ के मेरी समझ में आता था। और मैं समझता हूँ कि शायद मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, कुरान का स्टूडेंट हूँ, और साइंस से साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ कुरान को समझने की कोशिश करता हूँ, जिसमें पहला जो प्री रिक्विजिट है वो एक क्वेश्चनिंग माइंड है, कि सवाल करना है, तो हर चीज को पूछना है ये क्यों, हमें एविडेंस चाहिए, दलील चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो इस स्पिरिट के साथ मैं जैसे जैसे कुरान पढ़ता गया तो मुझे ऐसा लगता गया कि
ایک مسلمان ہونے کے ناطے بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اسلام کے نام پہ جو کچھ پریکٹس کر رہے ہیں وہ ایک منسکیول اسلام ہے اگر کہا جا سکتا ہے. دیر از اے لاٹ وچ ریمینس ٹو بی پریکٹسڈ. بہت کچھ ہے جس کو تو پریکٹس کوئی کرتا ہی نہیں ہے, اور اس کی صرف ریزن یہ ہے جس کا تھوڑا سا ذکر یہاں پہ آیا. اور یہ میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں یہ گلوبل فینومینا ہے. میں جہاں جہاں دنیا میں گیا اور بہت جگہوں پہ گیا اس کی کرپا ہے, تو وہاں میں نے مسلمانوں کی ایک سی کنڈیشن دیکھی کہ دے ریڈ قرآن وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ. قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پڑھنا کیا کہیں گے جسے سمجھا نہ جائے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو ریڈ سم تھنگ تو دیر از این انہیرنٹ میننگ دیٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. جب میں نے کہا کہ میں نے کچھ پڑھا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے سمجھ کے پڑھا. اتنی اجانتا, اتنی انسائنٹیفک اور ایریشنل ایٹیٹیوڈ کہیں اور نہیں ملتا ہمیں, سوائے ہمارے بیچ میں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. سمجھتے نہیں ہے تو پریکٹس بھی نہیں کرتے, اور جب پریکٹس نہیں کرتے تو اس کے جو نقصان ہیں وہ مجھے آج اپنی سوسائٹی میں چاروں طرف نظر آتے ہیں. دو اور چیزیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے, بلکہ ایک تو اسی کا حصہ ہے کہ دو بہت بڑے انرتھ ہیں, ظلم ہیں جو پوری ہیومینٹی پہ ہم لوگوں نے کیے ہیں. پہلی چیز جو سب سے بڑی ہے کہ ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا, پتہ نہیں کب ڈاؤن دی ہسٹری, کہ قرآن مسلمانوں کی دھارمک کتاب ہے. اٹ نو ویئر سیز, آپ قرآن پڑھ لیجئے ٹرانسلیشن اٹھا کے, اٹ ایڈریسز دی ہیومینٹی. عربی میں اس لیے آئی تھی کہ وہ پروفیٹ اس وقت عربی والے تھے, کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہر زمانے میں ہم نے جو کتاب بھیجی وہ اس علاقے کی زبان میں بھیجی. ویداز آج ہمیں سنسکرت میں اس لیے ملتے ہیں کہ وہ اس پیریڈ کے تھے جہاں وہ زبان بولی جاتی تھی. تو جو کتاب اتری وہ اس جس قوم پہ اتاری گئی, جس نیشن کو بھیجی گئی, اس کے لینگویج میں آئی. تو اٹ جسٹ سو ہیپنڈ دیٹ پروفیٹ محمد واز فرام عربیا, اس لیے اس کی زبان عربی تھی. لیکن نہ وہ صرف عربوں کے لیے تھی نہ ان کے فالوورس کے لیے تھی, خود قرآن پوری انسانیت کو. اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیے, اتنے کھلے ذہن کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر صرف اپنی بات کروں کہ بہت کم مسلمان ہوں گے جنہوں نے گیتا پڑھی ہوگی یا بائبل پڑھی ہوگی یا وید پڑھنے کی کوشش کری ہوگی, کیونکہ انہیں اتنا ہی وقت نہیں ملتا ہے کہ وہ قرآن کو ہی پڑھ لیں, بلکہ جیسے میں نے کہا کہ بنا سمجھے پڑھتے ہیں. اتنا بھی ٹائم نہیں نکال پاتے کہ اس کو سمجھ کے کچھ اس پہ تدبر کر لیں, کچھ سوچ لیں, چنتن کر لیں اس کے اوپر. تو اس سے ایک بائس کریٹ ہوتا ہے. جب میں نے یہ ٹھپا لگا دیا کہ مسلمانوں کی دھارمک کتاب ہے تو کسی دوسرے دھرم کا آدمی اس کو کیوں پڑھے گا؟ اگر میں اس سے شروع سے کہتا کہ یہ ایک ہیومینٹی کے لیے کتاب آئی ہے جس کو اچھی زندگی گزارنی ہے, اس کے لیے ون آف دی ماڈلس از دس, اور اٹ ہیپن ٹو بی ود اس, یہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پاس ہے, اس کو جس کو پڑھنا ہو پڑھ لو. انسانیت کی کتاب ہے, انسان بنانے والی کتاب ہے, سماج کو جوڑنے والی کتاب ہے, سماج کو بنانے والی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس اپروچ کو ہم لے کے چلتے تو آج تھوڑا سا سین الگ ہوتا. ہم نے ایک بائس کریٹ کر دی کتاب کی طرف, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر آنسریبل فار دس ڈیٹ. ہم کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے اس کتاب کو کیوں ریسٹرکٹ کر دیا, اور اس پہ بڑا ستم یہ کیا کہ دوسروں سے بھی اس کو الگ کر لیا اور خود بھی اس کو نہ پڑھا نہ عمل کیا, اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیا بہت احترام کے ساتھ کہ اوپر رکھ دو, سب سے اوپر یہ رہنی چاہیے. تو یہ دو ایسی چیزیں تھیں جن سے بہت نقصان ہوا ہے. میں ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جس طرح قرآن کو سمجھا ہوں, تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ٹاپک کے ریلیشن میں, ڈیوٹیز ٹوڈ سوسائٹی. سوسائٹی یعنی سماج. سماج کیا ہے؟ ایک یونٹ ہے. آپ اگر سوشیولوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, سماجی گیان والوں کے حساب سے, تو ایک ایسا گروپ ہے انسانوں کا جو آپس میں مل کے رہتا ہے اور ایک دوسرے کے کام مل کے کرتے ہیں. جہاں ایک جوڑ کی بات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی, ہیلپ کی بات ہوتی ہے, تاکہ سوسائٹی کے اوور آل پروڈکٹیویٹی جو ہے وہ ایک پازیٹیو ہو اور اچھی ہو.
हम चार आदमी भी अगर घर में रहते हैं तो हम आपस में प्रेम भाव के साथ कब रह सकते हैं, जब हम एक दूसरे को सम्मान दें। अगर मेरे घर की फैमिली के लोग मुझे सम्मान नहीं देते, दे जस्ट इग्नोर मी और कंसीडर मी एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है उनकी नजरों में, उनकी हर बात, उनकी हर चीज, उनका हर एक्शन, उनका एटीट्यूड मुझको हमेशा नीचा करता है, तो मैं घर में भी नहीं जुड़ सकता, मैं समाज में कहां से जुड़ूंगा। तो इसके लिए पहली जो मैंने एक वर्ड्स चुनी है कुरान से, जो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत छोटी सी है, वल्लकत करमना बनी आदम, जो ये कहती है कि हमने औलाद आदम को इज्जत बख्शी। वी हैव क्रिएटेड द चिल्ड्रन ऑफ एडम टू बी रेस्पेक्टेड। मुसलमान के ऊपर क्यों, क्योंकि मुसलमान का लफ्ज मैं क्यों कह रहा हूं, पूरी इंसानियत की बात नहीं कह रहा, क्योंकि इंसानियत तक तो कुरान हमने भेजा ही नहीं, अपने पास रखा। तो अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरे ऊपर कुरान बाइंडिंग है, द एवरी ऑर्डर इज मैंडेटरी ऑन मी, मेरे ऊपर फर्ज है हर हुक्म कुरान का। तो ये जो कुरान का हुक्म है कि हमने इब्ने आदम को, यानी चिल्ड्रन ऑफ एदम, यानी हर इंसान, हर व्यक्ति, औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, काला हो, पीला हो, किसी भाषा का बोलने वाला हो, कहीं रहने वाला हो, ह्यूमन बीइंग हो, उसको इज्जत के लिए पैदा किया है। तो मेरे ऊपर ये बाइंडिंग है कि मैं हर इंसान की इज्जत करूं, और इंसान की इज्जत सिर्फ उसके आकार की नहीं होती, उसकी आइडियोलॉजी की होती है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स की होती है, उसके फेथ की होती है, उसकी भावनाओं की होती है। आप इमेजिन कीजिए सोसाइटी को जहां मेरे साथ किसी भी विचारधारा का, किसी भी भावनाओं का कैसा भी आदमी साथ बैठता है तो मैं उसे इज्जत देता हूं और उससे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि ये मेरे जैसे एक व्यक्ति, एक इंसान है। और सबसे स्ट्रांग रिश्ता हमारी इंसानियत का है, द स्ट्रांगेस्ट बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको साइंटिफिकली कह लीजिए या सोशली कह लीजिए, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, सबसे पहला है। वी आर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट बॉर्न एज मुस्लिम्स और हिंदूज और क्रिश्चियंस और सिक्स और जेन्स और एनीबडी। ये इंटरेस्टिंग बात है, जो एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि मैं 20 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम लेके जब पैदा होता हूं तो मैं ह्यूमन बीइंग होता हूं, क्योंकि वो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और उसकी जीन्स और वो आकार जिसके साथ मैं पैदा हुआ, तो मैं इंसान का ही बच्चा या बच्ची हूं। तो असल हकीकत यही है, जो बुनियादी हकीकत है। उसके बाद मेरी विचारधारा, मेरे कर्म जिस तरह का मुझे ढालते हैं, मैं वैसा बनता हूं, कभी अपनी घर की ट्रेनिंग से, कभी बाहर की ट्रेनिंग से, और एक अपने लिए एक फेथ चुन लेता हूं, एक रास्ता चुन लेता हूं कि मैं किस तरह से एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, किस आइडियोलॉजी के तहत, किस आइडियोलॉजी को अपना के मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। पर्पज वही होता है कि पर्सन नीड्स टू बी ग्रूम टू बी गुड ह्यूमन बींग, अच्छा इंसान वो बन सके। तो यह आयत मैंने इसलिए कही और रखी सबके सामने, क्योंकि इससे इंट्रोड्यूस होने की आज जितनी हमें जरूरत है वो शायद दूसरों से ज्यादा है, कि हमारे इंसान की इज्जत करना सीखे। मैं 15 साल से ज्यादा हो चुका एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रिंसिपल रहा तकरीबन 10.5 साल, और अब यहां वाइस चांसलर हूं। इस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन से मैंने कभी किसी को बेइज्जत नहीं किया, कभी किसी को डांटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये मेरे ऊपर बाइंडिंग है। मैंने फायर किया है लोगों को, लेकिन प्यार से बिठा के, उन्हें चाय पिला के, कि देखिए हमारी आपकी वेवलेंथ नहीं मिलती, आपका काम करने का अंदाज दूसरा है, हमारा दूसरा है, तो आप प्लीज अब जॉब पे रिपोर्ट मत कीजिएगा, वैसे ये इदारा, संस्था आपकी, ये कॉलेज आपका, जब जी चाहे आइएगा, बैठिएगा, हम बैठेंगे, चाय पियेंगे, आपको जॉब पे रिपोर्ट नहीं करना। आई नेवर स्कोल्डेड द पर्सन कि तुम नमक हराम हो, निकम्मे हो, निकल जाओ, काम नहीं हो सकते, दोबारा नजर मत आना। नो, जब मैं प्रिंसिपल हुआ उस कॉलेज में, मैं कुछ पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हाउ इट मैटर्स। तो सब
जो वर्कर्स थे मिलने आए, तो हमारे सफाई कर्मचारी भी आए ऑफिस में, आके कुर्सियों के पीछे खड़े हो गए। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा बैठिए, तो वो हिलके नहीं दे रहे, स्टेचू से बन गए। एंड देवर ऑल स्टक, एकदम बहुत चक्का से जैसा कोई होता है। मैंने कहा तशरीफ रखिए, बैठिए। तो आप यकीन जाने दो लोग रोने लगे, कह के नहीं साहब हम, मैंने कहा क्यों नहीं बैठेंगे, कि आप इंसान नहीं है, मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, इस कॉलेज का हिस्सा नहीं है। और जिस कपों में मैं सबके लिए चाय मंगाता था, मैंने उनके लिए चाय मंगाई, उनके साथ चाय पी। आप यकीन जाने वही स्टाफ मैं 10.5 साल रहा, उन्होंने कॉलेज में एक जगह, क्योंकि मुझे उस कॉलेज में स्टिंकिंग वॉशरूम्स बहुत बुरे लगते थे, तो मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था, वही स्टाफ रहा, कोई और अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कभी कॉरिडोर्स में से बू नहीं आई, कभी कचरा नहीं हुआ, एकदम साफ कॉलेज रहा करता था। क्यों? क्योंकि मैंने उस आदमी को वो इज्जत दी विच ही डिजर्व्ड। क्योंकि जब लोग काम करते हैं, देखिए मैं एक चीज आपसे तजर्बे से, बहुत आप में से बहुत सो से मैं छोटा हूं, कोई काम छोटा नहीं होता, जहन छोटे होते हैं, हमारी सोच छोटी होती है, हम आदमी को उससे जोड़ देते हैं। आदमी की बड़ाई तो वो है कि वो अपने काम को कितनी मेहनत से कर रहा है। एक निकम्मा रिश्वतखोर मंत्री मेरे लिए ज्यादा बुरा है एक रिक्शा वाले से, मजदूर से, जो मेहनत से काम कर रहा है। मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि वो अपना काम भी नहीं कर रहा और हमें डैमेज कर रहा है, मुल्क का नुकसान पहुंचा रहा है, कंट्री को डैमेज कर रहा है। वो आदमी जो मेहनत से रोटी कमा रहा है, जिसके हाथ बड़े सख्त हो चुके हैं, उससे हाथ मिलाना मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं एक ऐसे आदमी से मिल रहा हूं जो मेहनत से, ईमानदारी से अपनी रोजी हलाल करके खा रहा है। क्योंकि रोजी हलाल करने की कंसेप्ट भी खत्म हो चली है। जो मेरी सी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, पता नहीं नई जनरेशन को ये आइडिया भी है या नहीं कि रोजी हलाल करना क्या चीज होती है। और ये चीज मैंने अक्रॉस द रिलीजन्स पाई है, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली के जिन हिस्सों में रहा हूं, वहां जामा मस्जिद से सटा हुआ अगर सीताराम बाजार था, तो पटौदी हाउस के पास क्रिश्चियन बस्ती भी थी, तुरकमान गेट के पीछे क्रिश्चियन बस्ती भी थी। तो हम लोग इंटरेक्शन होते थे, दोस्त थे हमारे, विक्टर था मेरे साथ नितिन था, सीताराम बाजार भी जाता था, क्रिश्चियन कॉलोनी भी जाता था, तो संस्कार एक से थे, बातें एक से मिलती थी, वही वैल्यूज थी, वही इंसानियत से मोहब्बत की बातें थी, एक से अक्रॉस द बोर्ड एक चीज मिलती थी। तो बड़ी अहम चीज ये है जो हमें समझने की है, देखिए हमारे यहाँ, मुझे ये कहने दीजिए कि हम जो हमारी आइडियोलॉजी का नहीं होता, हम उससे एलर्जिक होते हैं, हमें उस वो अच्छा नहीं लगता। हम ये समझते हैं कि मैं ठीक हूं और इसको भी ठीक करना चाहता हूं, जबकि ये कुरान की फिलॉसफी नहीं है। प्रॉफेट से खुद कुरान में ये कहा जा रहा है कि तुम्हें जिम्मेदारी नहीं है कि तुम सबको मुसलमान बना दो, तुम्हें एक मॉडल देना है, जिसकी इच्छा होगी लेगा, वरना तुम दरोगा नहीं हो। एग्जैक्टली ये वर्ड है कि तुम इनके ऊपर दरोगा नहीं हो। डोंट फोर्स थिंग्स ऑन पीपल। हम आपस में जो ग्रुप्स हैं हमारे मसलक के, उनमें ये होता है, हम समझते हैं कि ये गलत है, मैं सही हूं, इसको भी ऐसा करना चाहिए। ये कहां से आ गया ये तशद्दुद, ये एक्सट्रीमिज्म हमारे यहां कहां से आ गया? हम क्यों सोच थोपना चाहते हैं और इस चक्कर में हम आपस की इज्जत खो देते हैं? तो ये हमारे लिए बड़ा बाइंडिंग है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। इसी से रिलेटेड दूसरी एक आयत है, वकुल इबादी यकूलु लती अहसन, और मेरे बंदों से कह दो कि जबान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। वेन एवर यू स्पीक, स्पीक बेस्ट ऑफ द स्पीच। यानी मैं अगर मुसलमान हूं तो मेरे लिए ये हुक्म है जो बाइंडिंग है, और मैं इस पर अगर अमल नहीं करता तो मैं उसका बागी हूं, आई एम ए रिबेल, और मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आई विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली, मुझे सजा मिलेगी इस बात की कि मैं इस हुक्म पे अमल नहीं करता, कि मुझे हमेशा अच्छी बात कहनी। और ये चीज मैं आपको बताऊं कि ये एब्सोल्यूट हुक्म है कुरान का, इसमें कहीं एक्सेप्शन नहीं है कि कोई तुम्हारे सामने वाला तुम्हें कोई बहुत बुरा कहे, तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहे, तुम्हारे प्रोफेट को बुरा कहे, तो तुम भी बुरा कह देना, नथिंग डूइंग। क्योंकि हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए दूसरे के बिहेवियर का। वो बुरा है तो बुरा रहे, मुझे अच्छा हो तो अच्छा रहना है, मुझे हमेशा अच्छा बोलना है, हमें कभी बुरी बात मुंह से नहीं निकालनी, बुरी समथिंग विच हर्ट समबडी,
किसी का दिल दुखे, उसकी बेइज्जती हो, उसको हर्ट पहुंचे, ये कौले अहसन नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है। अब आप इमेजिन करते जाइए सोसाइटी को जिसको परमात्मा बनाना चाहता है कि कैसे एक दूसरे की इज्जत की जाए। और इसमें कहीं नहीं कहा जा रहा कि मुसलमानों तुम एक दूसरे की इज्जत करना, नो, हर इंसान की इज्जत करनी है। और ये हमसे कहा जा रहा है बिकॉज वी आर दी कस्टोडियंस ऑफ दिस डिवाइन राइट, ये किताब हम पे आई है, हम इसके अमानतदार हैं, कस्टोडियन हैं, हम पे बाइंडिंग है। और कभी जबान से बुरा नहीं निकालना, हमें अच्छा बोलना है। ये लोग अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हैं उन्हें तुम बुरा ना कहा करो, यानी मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे हक ही नहीं पहुंचता कि मैं किसी धर्म गुरु को या उनके प्रभु को, उनके परमात्मा को बुरा करूं। बल्कि इंसान की इज्जत करने का तकाजा यह है कि मैं उसके, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसान की जब इज्जत हम करते हैं तो उसकी थॉट्स की, उसके फेथ की, उसकी लाइक डिसलाइक की इज्जत करते हैं। आप यकीन जाने मैं कभी राम नहीं कहता, श्री राम कहता हूं अकीदत के साथ, क्योंकि इससे मेरा भी जज्बा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिंदू भाइयों के जज्बे की कदर करता हूं, क्यों? क्योंकि कुरान मुझे ये सिखाता है और ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि मुसलमान वो है जो इस किताब पर यानी कुरान पर और इससे पहले जितनी धर्म ग्रंथ आए हैं उन सब पे ईमान रखता हो। इट इज ए पार्ट ऑफ माई फेथ कि मुझे ईमान रखना है उन तमाम किताबों पे जिसकी कहानी मुझे ऐसा लगता है वेदा से शुरू होती है, क्योंकि सबसे पुरानी किताब अब तक रिकॉर्ड में वेद है। दूसरी बात यह कि कुरान ही कहता है कि हमने हर कौम में, हर जगह दुनिया में हमने रिफॉर्मर्स और प्रोफेट्स भेजे। कुछ को मेंशन किया गया कुरान में, बहुत सौ को नहीं किया गया, लेकिन हमें हम सबकी रेस्पेक्ट करनी। और कुरान ये कहता है कि वी डू नॉट डिस्टिंग्विश अमंगस्ट देम, हम उनके बीच में फर्क नहीं करते। तो हिस्ट्री तो एक लिमिटेड पीरियड का भी जो रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक हो नहीं सकता, क्योंकि हिस्टोरियंस में हमेशा डिस्प्यूट होते हैं। तो मुझे पता नहीं कि कौन महान हस्ती अपने टाइम का प्रोफेट हो जिसकी पूजा होती हो। तो मैं इस तरह भी, मेरे ऊपर ये बाइंडिंग है कि मैं किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा, किसी के भगवान को जहां उनकी आस्थाएं हैं मैं बुरा नहीं कहूंगा, ये मेरे ऊपर बाइंडिंग है अगर मैं मुसलमान हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो, हम में से अक्सर इस बात को जानते नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस भी नहीं होती। एक अननेचुरल और अनकहे, और मुझे दुख होता है ये कहते में कि हमारे समाज में नफरतें पैदा हुई, एक घृणा, क्योंकि जब सबकी इज्जत है तो उनकी आस्थाओं की भी इज्जत है, उनकी फेथ की भी इज्जत है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको आप उसी ब्रैकेट में रखिए कि दीज आर अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, ये करना है हमें समाज को जोड़ के रखने के लिए, समाज को समाज की शक्ल देने के लिए। क्योंकि देखिए, जो चीज समाज के हित में नहीं होती, अगर मैं इस बॉडी को एक साइंटिफिक तौर से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बॉडी है इट इज ए सोसाइटी, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, कितनी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, तो ये एक सोसाइटी है, एक समाज है जिसमें हर चीज एक तालमेल के साथ चलती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन कोई चीज अगर इस सोसाइटी के अगेंस्ट जाने लगती है और कंट्रोल में नहीं होती तो उसको हम कैंसर कहते हैं, कैंसर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज को तहस नहस कर रहा है, वो समाज को मारना चाहता है। तो वी शुड नॉट बी कैंसर्स ऑफ द सोसाइटी, वी शुड बी द सपोर्टिंग एंड कनेक्टिंग टिश्यूज ऑफ द सोसाइटी, जो जोड़ के रखते हैं समाज को। और उसके लिए बंदिशें ये हैं, उसके लिए गाइडलाइंस ये हैं जो मेरे ऊपर बाइंडिंग है अगर मैं समझता हूं और मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। क्योंकि देखिए, जिस तरह कुरान की आयतें या हुक्म जिनको हम अमल करते हैं फराइज के तौर पे, कि 5 टाइम नमाज पढ़नी है मस्जिद में जाके, रमजान में रोजे रखने हैं हमें, वो भी तो कुरान की ऐसी आयतें हैं जैसी ये आयतें हैं। ये कैसे हो गया
یہ انرتھ کیسے ہو گیا کہ ان کو ہم نے فرض بنا کے اپنے اوپر لاگو کر لیا, ان کو بھول گئے بالکل. تو ہمارا جو ایک سوشل ڈائمینشن تھی, جو سوشل کیریکٹر تھا, جو سوشل آسپیکٹ تھا, وہ اتنا خراب ہو گیا کہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج بہت سی سوسائٹیز اور کمیونٹیز نہیں چاہتی کہ مسلمان نیبرہڈ میں رہے ان کے, وہ کرائے پہ مکان نہیں دیتے, اپنا پراپرٹی نہیں لینے دیتے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں. میرے بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. سیتارام مزار میں بہت ہندو فیملی رہتی تھی, ہمارے علاقوں میں رہتی تھی, ذاکر نگر میں جہاں میں رہا ہوا ورما جی ہماری گلی کے کنارے رہا کرتے تھے. پہلے تو ایسا ماحول نہیں تھے نا, تو کہیں ہم سے تو خرابی نہیں ہو رہی. ہمیشہ اپنی کمی پہلے دیکھنی چاہیے کہ ویئر وی آر لیکنگ, ویئر وی آر فیلنگ. اور وہ فیلنگ یہیں پہ ہے کہ یہ جو قرآن کی ٹیچنگس تھی, ہم اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہم اچھے سماج کے طور پہ نہیں اٹھ رہے, ہم ایسے سماج کے طور پہ نہیں بن رہے جو دینے والا سماج ہوتا ہے, پیار کرنے والا سماج ہوتا ہے. ہم لینے والا سماج بن رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے یا شکایت ہے. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے, اور وہ بنا قرآن سے کنیکٹ ہوئے نہیں ہو سکتا. اسی لیے عبد الکریم پاریکھ صاحب اور ایسی فیملیز کی ضرورت ہے جو ایک سائنٹیفک مائنڈ کے ساتھ, کوئی مسئلہ کی پردے نہیں پڑے ہوئے, کوئی حضرت جی نہیں ہے جن کو فالو کرنا ہے, کوئی شیخ نہیں جن کو فالو کرنا ہے, قرآن کی بات, اللہ کی بات سمجھنی ہے اور پریکٹس کرنی ہے. یہ بیوٹی ہے اس فیملی کی, یہ خوبصورتی ہے اس فیملی کی, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. یعنی ایک اورینٹیشن ہوتا ہے ہر سوسائٹی کا, کمیونٹی کا, لوگوں کا. تمہارا اورینٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ تم اچھائی کی طرف جانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو. سبقت کا مطلب یو کمپیٹ ود اندر فار ڈوئنگ گڈ. اچھا کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو. ڈرائنگ روم سجانے میں, گاڑی کے ماڈلس میں کمپیٹ مت کرو کہ میرے پاس تو اب سوزوکی پہ پڑا ہوں, وہ مرسی پہ آ گیا, مرسیڈیز لے لی, مجھے مرسیڈیز لینی ہے. پڑوسی کا ڈرائنگ روم اتنا بڑا ہو گیا, میرا بھی بڑا ہونا چاہیے. ہمیں اس میں کمپیٹ نہیں کرنا, ہمیں یہ کمپیٹ کرنا ہے کہ اس نے ابھی جب سیلاب تھا تو کتنا ریلیف بھیجا ہے, مجھے کتنا بھیجنا ہے اچھے کاموں کے لیے. یہ ڈیوائن آرڈر ہے کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے اچھے کاموں کے لیے. اور یہ اچھے کام آپ کس کے لیے کریں گے؟ سوسائٹی کے لیے کریں گے. وی آر ڈوئنگ ٹو ادرس, دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے نہ صرف حکم ہے, سماج کو دینے کا حکم ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آپ کو کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کمپیٹ کریے ایک دوسرے سے. برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. یعنی برائی کے بدلے میں, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے. تم نے گالی کیوں دی, اکثر بچوں میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, میرے سامنے بھی آتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے بھی, جو گھر میں بھی آتے ہوں گے, ٹیچنگ میں بھی آتے ہیں کہ تم نے گالی کیوں دی سر, اس نے بھی دی تھی, تھپڑ کیوں مارا سر, اس نے بھی مارا. تو یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے آپ کو برا کہا یا اس کا ایٹیچیوڈ خراب ہے, دیکھیے ایک چیز میں نے ہمیشہ نوٹ کی ہے, کیونکہ جب اسٹاف سے آپ ڈیل کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں, تو آپ کو واچ کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کا تھوڑا سا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے تو وہ کیوں ہے. تو ایک اگر کسی کا ٹائم پہ کوئی ایک آپ کا ساتھی مس بیہیو کر رہا ہے, تو آپ یہ مت دیکھیے, فیس ویلیو پہ مت جائیے مس بیہیو کیوں کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیے اس کے کارن کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. کہیں یہ پیچھے سے ڈسٹرب تو نہیں ہے اس وقت, کہیں خود کسی ٹینشن میں تو نہیں ہے, کہیں میرے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو گئی جو اس میں من مٹاؤ ہے, کچھ کھچاؤ ہمارے بیچ میں. ادروائز نارملی ڈزنٹ بیہیو لائک دیٹ, ایسا کرتا نہیں ہے. اس دفعہ دوسرے اپروچ یہ ہے کہ جیسے اچھا ہاؤ ڈیئر یو, تم نے ہمت کیسے کری دوسرے سے بات کرنے کی, جاؤ نکل جاؤ. اب دوریاں بڑھنے لگی, نفرتیں پیدا ہوئیں, وہ سوچے گا میں پہلے بھی کیوں بات کروں, میں سوچوں گا میں پہلے بات کیوں کروں. پہلے ہی اسٹیج پہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اگر غصہ کر رہا ہے, مس بیہیو کر رہا ہے, تو کولی اس وقت یہ سوچنا چاہیے گیو ہم اور ہر اندر چانس, کہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ کسی اپنی پریشانی میں ہو, پھر دیکھتے ہیں اسے. اس وقت اسے کہیے کہ اوکے تم جاؤ ریسٹ کرو, ہیو سم تھنگ, جو بھی کہنا ہے اس کو, ڈیفیوز دا سچویشن اینڈ ویٹ فار دا سیکنڈ ٹائم. پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایرنٹ امپلائی ہے میرا, یا یہ بیہیو نہیں کر رہا, میں پھر سوچوں گا. لیکن ہمیں ریئیکشن نہیں کرنا. تو یہی وہ میسیج ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ برائی کو بہترین بھلائی سے, بہترین طریقے سے دفع کرو. دفع لفظ جو ہے
It means annihilation. Total khatam karna. Kabhi burai ko burai se khatam nahi kiya ja sakta. Burai ke badle mein achha approach leke aap usko khatam kar sakte. Warna wo khatam nahi hoti. Ye jo khandani jhagde chala karte the bahut pehle jab main kuch filmein bhi achhi banti thi aur main dekhta bhi tha to sangharsh dekhi thi Dalip Kumar ki. Usme yahi khandani jhagdon ki baat thi. Baad mein bhi is theme pe bahut bani hongi mujhe nahi pata. लेकिन ये खानदानी झगड़े भी इसीलिए चलते हैं कि उसमें कुछ तो अहंकार और मैं होती है और कुछ ही होता है कि इसने ये किया था, इसने मेरा बेटा मारा था, मुझे इसके बेटे को मारना है. तो ये रास्ते कभी हमें कहीं अच्छाई की तरफ नहीं ले जाते. तो ये हमारे लिए, समाज के लिए एक मैसेज है कि हमें बुराई का जवाब अच्छे तरीके से, भलाई से देना. यानी सोसाइटी में देखिए, मैं मुझे ये एहसास है कि बातें ऐसी हैं जिन पे पूरी डिबेट्स हो सकती हैं, लेकिन वक्त की कमी देखते हुए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ. बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी चल रहा है क्योंकि मैं मानता हूँ कि साहब खुद समझें, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए जो सिचुएशंस को जिसमें किसी सोसाइटी में लोग इस तरह बिहेव करते हैं तो वो सोसाइटी कैसी बनेगी. एक मॉड्यूलर सोसाइटी होगी जिसमें कोई किसी को बुरा नहीं कहता, बुरा चाहता नहीं है, कोई नफरतें नहीं हैं, बल्कि हर एक से मोहब्बत, एक सेवा, एक स्पिरिट है उसके कुछ करने की. कहीं पे कोई बुराई भी आती है तो उसके बदले में बुराई नहीं होती, उसको अच्छे तरीके से हल किया जाता है. मुझे हमेशा से इस बात का एहसास रहा, मैं आपसे बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ ओपनली, क्योंकि आई एम ए ट्रांसपेरेंट पर्सन. कैसा क्यों होता है कि कहीं से खबर आती है कि साहब वो मस्जिद में वो जानवर पड़ा हुआ दिखाता कटा हुआ, तो वहां बलवा हो गया, झगड़ा हो गया. क्यों हो गया? जिसने देखा था उसको उठाता, कहीं गड्ढा खोद के दफन करता, मस्जिद को धोता, साफ करता, खत्म बात. व्हाट हैड हैपेंड? क्या अनर्थ हो गया? हो गया, एक आदमी था, कुछ लोग थे, गुस्से में होंगे, बल्कि हमें कारण सोचना चाहिए कि वो क्यों गुस्से में है, उन्हें मस्जिद से क्यों नाराजगी हुई, हमसे क्यों नाराजगी हुई, उसकी थोड़ी एनालिसिस करें, उनको जोड़ने की कोशिश करें अपनी सोसाइटी में थोड़ा. और देखिए, जब अंधेरा बढ़ता है तो चिराग जलाए जाते हैं. अंधेरे बढ़ रहे हैं, रोशनी बढ़ा दीजिए, उसमें क्या मुश्किल है? दैट्स द राइट अप्रोच. मुझे ये बात कहीं समझ में नहीं आती. आपने साहब फला जगह मस्जिद में कुछ घुसाए लोग, कुरान फाड़ दिया, सो व्हाट? जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पुराने होके पन्ने हमारे से भी टूटते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं, कहीं पानी में डाल देते हैं, जला देते हैं, उसको भी इकट्ठा कीजिए, कहीं पानी में डाल दीजिए. आइडियोलॉजी को डिमोलिश करना ज्यादा बुरा है पन्नों को डिमोलिश करने से. हम तो आइडियोलॉजी को डिमोलिश करते हैं बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस कुरान, तो कुरान की बेहरमती हमसे ज्यादा कौन कर रहा है? माफ कीजिएगा, आई एम ए ब्लंट पर्सन, लेकिन ये हकीकत है कि कुरान नसीहत के लिए, अमल के लिए आया था, क्योंकि अगर हम इस पे अमल करके एक अच्छी सोसाइटी बनते तो हम जो पीस और मोहब्बत के पैगाम फैलाते वो तो नहीं है ना. तो हमने उस आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी किताब बना के ऊपर सजा के रख दिया कि जिसकी सिर्फ हम इज्जत करते हैं. जब लड़की की शादी होती है उसके सर पर रख के भेज देते हैं, जब असलम परवेज मर जाते हैं तो पढ़ लेते हैं उसको कि असलम परवेज को सवाब पहुंच जाएगा. ईसाले सवाब के लिए, सवाब के लिए, रुख्सती के लिए नया कारोबार दुकान खुला तो उस पर पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है वो किताब, जो हिदायत की किताब थी. सूरह यासीन जिसमें यह कहा गया है कि ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो जिंदा हैं, ये पढ़ी जाती है उस आदमी के सराहने जो मरने के करीब होता है, देख लीजिए उठा के. तो ये सिर्फ अनसाइंटिफिक एटीट्यूड की बात है कि मैं सवाल नहीं करता कि मैं कोई चीज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्या ये सही है, क्या ये लार्जर बेनिफिट में है सोसाइटी के, मेरा करना ठीक है क्या, ये नहीं है तो मैं वहीं पर एक सवाल खड़ा करूं और फिर अपने ग्रंथ में देखूं कि मेरा सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. ये सूरह नहल की आयत नंबर 90 है, थोड़ी सी लंबी वर्ड्स है लेकिन इसमें बहुत अच्छे गाइडिंग प्रिंसिपल है कि बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है और रिश्तेदारों को, कराबत वालों को देने का. ये तीन चीजें करने का हुक्म है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईता ज़िल क़ुरबा. अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है किस चीज का? कि डू जस्टिस. बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इंसाफ करो, अदल करो, जस्टिस करो. अब जस्टिस रिश्तों से शुरू होता है. मैंने
जस्टिस किया बाप होने का, बेटा होने का, शोहर होने का, बीवी होने का, पड़ोसी होने का, देशवासी होने का, मुल्क का शहरी होने का. आई हैव टू डू जस्टिस. यस, आई एम एन इंडियन, आई हैव टू डू जस्टिस. मैं इस कॉलोनी में रहता हूं, मैं नागपुर वासी हूं. जस्टिस करना है कि नागपुर क्या कल्चर, क्या सभ्यता क्या थी. मैं वैसा हूं, पड़ोसी हूं मैं. अच्छा, क्या मैं पड़ोस का ख्याल रखता हूं? क्या मुझे पता रहता है कि आज इनके यहां कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है? क्या मैं उनके दुख दर्द में शरीक हूं? यह है जस्टिस. दूसरे आता है जस्टिस विद प्रोफेशन, इंसाफ. मैं जिस काम को कर रहा हूं, एम आई डूइंग जस्टिस विद इट? अगर मैं टीचर हूं तो क्या मैं जस्टिस कर रहा हूं टीचर होने का? अच्छा सा सब्जेक्ट तैयार करके जाता हूं, क्लास तैयार करता हूं, मेहनत से पढ़ा रहा हूं. एम आई डूइंग जस्टिस विद माई प्रोफेशन? मैं अगर स्टूडेंट हूं तो क्या मैं जस्टिस कर रहा हूं? शायद कुछ स्टूडेंट होंगे यहां. स्टूडेंटशिप के साथ जस्टिस क्या है? मेरा पूरा फोकस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे होना चाहिए, विद्या हासिल करने के लिए होना चाहिए. मैं विद्या की अर्थी उठाने वाला विद्यार्थी नहीं हूं. मैं सचमुच का विद्यार्थी हूं जो ग्रहण करता है, सीखता है नॉलेज को. मेरी परसूट, मेरी कोशिश, मेरी तलाश, मेरी खोज नॉलेज के लिए, सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करने के लिए होनी चाहिए. दैट इज द जस्टिस विच इज एक्सपेक्टेड. तो जस्टिस रिलेशनशिप के साथ, जस्टिस प्रोफेशंस के साथ, हर जगह के साथ हमें जस्टिस करना है. दूसरा हुक्म क्या है? वल एहसान. एहसान कहते हैं दूसरे के साथ अच्छा करना. डू गुड टू अदर्स, इट इज बाइंडिंग. और जस्टिस के बाद आपको एहसान करना है. इसको मैं इस तरह समझाता हूं कि एक बाप के दो बेटे थे, बाप का देहांत हो गया, मर गए. एक बेटे का कारोबार बड़ा अच्छा चलता है, दूसरा खराब है, फाइनेंशियली वीक है. तो अब जस्टिस तो ये होगा कि प्रॉपर्टी अगर दो बेटे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों और नहीं है, ये जस्टिस हो गया. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो भाई अच्छे हाल में है वो अपनी संपत्ति उसको दे दे कि तुम मेरा कारोबार काम ठीक चल रहा है, तुम इसको इस्तेमाल करो और अपने पैरों पे खड़े. दिस इज डूइंग गुड टू अदर्स पीपल हु नीड. कि जो जरूरत में है मैं अपना हिस्सा उनको दे दूं, दिस इज डूइंग गुड टू अदर्स. ये है एहसान. और ये एहसान ऐसी चीज है कि कुरान दूसरी जगह कहता है कि द मर्सी ऑफ गॉड इज नियरर टू दोज हु डू गुड टू अदर्स. अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब है जो एहसान कर. अब ये क्या सिखा रहा है हमें सोसाइटी में? कि डू गुड टू अदर्स. और यहां जो इताजिल कुर्बा है ये डिफाइन नहीं करता कि पास कौन है आपके, आपके वर्क प्लेस के आपके वर्कर्स, आपके कलीग्स, आपके क्लास फेलोज, आपके पड़ोसी, ये सब आपके पास वाले हैं. कुरान ये कहता है कि हूएवर इज नियर टू यू गिव देम समथिंग, दो उन्हें. हमारी बाय एंड लार्ज सोसाइटी क्या बन गई कि जो पास वाला है उससे कुछ लेने की सोचते हैं, उसकी जेब देखते हैं क्या है. बल्कि अब तो रिश्ते इस बेसिस पे होते हैं कि इससे क्या मिल सकता है, कितना पैसा मिल सकता है, या इसकी क्या पोजीशन है मंत्रियों के साथ, कितनी ब्लैक कैट और लाल बत्ती वाली गाड़ियां बाहर खड़ी होंगी मेरे यहां जब बारात आई है, मैं इससे काउंट करता हूं अपने रिश्तेदारी हैं. मैं इंसानियत कब देखता हूं? तकवा कहां देखा जाता है? खानदानों में रिश्ता करते हुए. माल दौलत जाहो अशमत सरवत ये तो देखी जाती है. आपकी पोजीशंस क्या हैं, पैसा कितना है, मेरी बारात को आप कैसा खिलाओगे, कहां पे खिलाओगे, 5-star में खिलाओगे, क्या खिलाओगे, दान दहेज क्या दे रहे हो, कितना पैसा लेन देन हो रहा है. एक कारोबार है, एक बच्चा बिक रहा है, एक बच्ची बिक रही है. बच्चा बेवकूफ है, बच्ची मजबूर है. बच्चा बेवकूफ इसलिए है कि इससे बड़ी नामर्दी नहीं है कि आप लड़की के पैसे पे ऐश करेंगे और मर्दानगी कहते हैं आप नामर्दी है. यू आर नॉट ए मैन. मैन अपने पैसे को अपनी कुव्वत से कमाता है. सूखी रोटी खिलाएगा, कहेगा बीबी यही है मेरे पास, अब यही खा लो, तुम्हारे घर से कुछ नहीं आएगा, टिफिन मत आने देना, मेरे घर में रहना है, मैं खिलाऊंगा जो खिला सकता हूं. यह है मर्दानगी. आप हर चीज उधर देख रहे हैं. वेन योर वाइफ इज एक्सपेक्टिंग, उसको मैके भेज दिया कि बच्चा वहां होना है. हमारे यहां तो ट्रेडिशन ही है, कुछ नहीं है, आपको पैसे बचाने हैं, उनसे लूटना है. इसीलिए जिसके यहां लड़की पैदा हो रही है, लड़की से बड़ी नेमत नहीं है इस दुनिया में. साक्षात भगवान मांगता हूं मैं तो उसे.
उसके पैदा होने पे और रो रहा है वो जिसके यहाँ पैदा हुई है, क्योंकि उसे मालूम है क्या होने जा रहा है, क्यों हो रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जो गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं ये कि बात निकली इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि हम सब फैमिली वाले लोग हैं। आप इमेजिन कीजिए एक लड़की, हम नहीं कर सकते, हम में से कितने लोग हैं जो अपना घर छोड़ के किसी के घर जाके रह सकते हैं। उस लड़की का त्याग देखिए, वो अपना घर छोड़ के जहां वो 20-25-30 साल रही है आपके घर में आती है। इसको मैं समझाता हूं ट्रांसप्लांटेशन की तरफ से। आप तो बड़े बड़े पूरे पूरे दरख्त उखाड़ के ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ना, आपने देखे होंगे जगह जगह जो एरिया डेवलप किया जाता है ग्रीनरी का, क्योंकि ग्रीनरी के मिशन आजकल हैं, क्योंकि छोटा पौधा लगाओ ग्रो करने में टाइम करता है, तो पूरे पूरे प्लांट ग्रेन से आते हैं और वो एक जगह लगाए जाते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ बांस लगाए जाते हैं उनके सपोर्ट के लिए। एक माली की ड्यूटी होती है कि उसको फर्टिलाइजर और पानी देता रहे जब तक कि वो जड़ ना पकड़ ले। ये उस दरख्त की बात है जिसके पास कोई इमोशन और सेंसिटिविटीज नहीं है। जो एक इमोशन और सेंसिटिविटीज के साथ लड़की दूसरे के घर में आई है उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं? उसके यहाँ वो नंद भावजे हैं, देवरानी जेठानी हैं, सास अम्मा हैं, उनके ताने हैं, उनकी बातें हैं। वो बच्ची सरवाइव करने की कोशिश कर रही है कि एलियन एटमॉस्फेयर में। घोर अन्याय है। अगर आप अच्छी जमीन नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं दे सकते, तो ट्रांसप्लांटेशन मत कीजिए, मत लेके आइए उस लड़की को, बैठे रहिए ऐसे ही। लेके आ रहे हैं तो उसको सम्मान दीजिए। ये इंसानियत है, ये समाज है। देखिए आज समाज सबसे बड़ा फ्रैक्चर जेंडर बेसिस पे है, जो अनर्थ है जो जाती औरतों के साथ हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा डिवीजन ये है जिसमें बात बहुत कम होती है। आप, मैं यकीन से कह रहा हूं क्योंकि मैं ग्रास रूट का आदमी हूं, मैं मजदूर हूं, जुड़ा रहता हूं समाज से। मुझे बहुत कम घराने ऐसे दिखते हैं जहां औरत को वो सम्मान मिले जो मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे कितने हस्बैंड्स हैं जो अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज को अपने वाइफ्स के साथ डिस्कस करते हैं, उनको बेअकल समझते हैं, कम पढ़ा लिखा समझते हैं कि ये क्या डिस्कस है, इसे प्रॉपर्टी क्या पता, इसे बिजनेस क्या पता, इसे कॉलेज की पॉलिटिक्स क्या पता, इसे यूनिवर्सिटी का हाल क्या पता। आप जरा टेस्ट करके तो देखिए। मैं हर इंपॉर्टेंट इशू वाइफ से डिस्कस करता हूं और आपसे मैं शेयर कर रहा हूं ये पर्सनल बात कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट वंडरफुल टिप्स। इसको ऐसे करके देखिए, तो यू रिकॉग्नाइज ए पर्सन, उसको सपोर्ट दीजिए, वो खिलेगा आपके लिए, आपकी मदद करेगा, विल बिकम एन इक्वल पार्टनर इन योर लाइफ। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खाना पकाने वाली नहीं है, बच्चे पैदा करके पालने वाली नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है। उसको अंडर यूटिलाइज मत छोड़िए, यूज हर। बहुत कम घरों में होता है, नहीं होता तो जेंडर का फ्रैक्शन है ना। ये सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, इसीलिए ये समाज हमारे जेंडर के बेस। देखिए मैंने हमेशा इस बात कही है, यहां आपसे बता रहा हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और थोड़ा समाज को भी जानता हूं। बच्ची अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। आप देख लीजिए बुढ़ापे में जब आप बीमार होते हैं तो बहू पीछे रहेगी, बेटी आएगी, चाहे वो लुधियाना में बैठी हुई भाग के आएगी कि मामा बीमार है, पिताजी बीमार है। तड़प हो जाएगी उसे कि मेरा माँ बाप बीमार है, मेरा भैया बीमार है। बहू को नहीं होता इतना। इस बच्ची को जब ये पता लगता है कि मेरी शादी करने के लिए मेरे माँ बाप ने क्या दुख उठाए हैं, मेरे बाप ने क्या क्या बेचा है, कैसे कर्जे लिए हैं, तो वो उस घराने से और आपसे कभी दिल से नहीं जुड़ सकती। लिख लीजिए इस बात। आप मोहब्बतें बेच देते हैं पैसा लेने के लिए। वो दिल से शौहर से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, एक जरूरत है, साथ रह रही है, दिल से नहीं जुड़ेगी, आपके खानदान से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि इन्होंने मेरे पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट किया है, खून चूसा है उनका। आपका कोई खून चूसे आप उसके लिए क्या करेंगे? आप तो कहेंगे मार डालूंगा। वो बच्ची आपके यहां रहती है, बर्दाश्त करती है, दिल से नहीं जुड़ सकती। समाज टूटता है, रिश्ते कमजोर होते हैं। समाज को जोड़ना है तो मोहब्बतों की अदल बदल कीजिए, माल की मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है जो हमारे यहां होता है और हर समाज में है। ये हिंदू मुस्लिम अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कास्ट्स, चाहे गरीब है अमीर है, अमीर के लेवल बहुत बड़े हैं, गरीब के छोटे होंगे, लेकिन है ये चीज। मुफ्त का माल बच्चे को चढ़ाना, बेटे को देना, किस लिए देना भाई? वो अर्नर, ब्रेड अर्नर है, उसको मेहनत करनी है, उसे कमाना है। एनीवे, तो
احسان کی بات میں کر رہا تھا اور ایتا ذیل قربا کا جو حکم ہے پاس والے کو دو, یہ بائنڈنگ ہے کہ آپ کو پاس والے کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. ایک چیز میں ہمیشہ دہراتا ہوں اور کہتا ہوں, ایک ایسے لیکچر میں مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے بات مجھ سے پوچھی کہ سر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا دوں, کیونکہ مجھے تو حکم ہے دو. تو میں نے کہا بیٹا میٹھا بول تو ہے, مسکراہٹ تو ہے, مسکرا کے بات کر لوں لوگوں سے, میٹھا بول بول دو. یہ بڑے کم ہو گئے ہیں آج کل, لوگ مسکرا کے بات نہیں کرتے. آپ دیکھیے ریڈ لائٹ پہ جب آپ کھڑے ہو اور ایک دوسرے کو دیکھیے, آپ کو اسمائلنگ فیس کوئی ملے گا؟ نہیں ملے گا. بلکہ یوں دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھ سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے, یہ تھوڑا آگے گاڑی ہے میں اور آگے بڑھا دوں گا. اچھا تو یہ تو ہمارے حال ہیں, ہم مسکرا نہیں سکتے. آپس میں انجران اور اجنبیوں سے مل کے ہم وش نہیں کرتے. تو یہ سم ہاؤ چیزیں ہیں جو ان نوٹسڈ ہو رہی ہیں لیکن نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیشہ جو بھی اچھا ہے دیجیے. وہ ینہا عن الفحشاء و منکر و بغی, تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ جو بے شرمی کے کام ہیں, لیوڈ تھنگس, ان سے ہمیشہ بچیے. اور جو منکرات ہیں, اینی تھنگ وچ از کنٹری ٹو ریزن, عقل کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کے خلاف آپ کو ان سے بچنا ہے. اور بغاوت سے بچنا ہے, ڈونٹ بی ریبیل آف پرماتما, اس کے باقی مت بنیے. اس کی جو حدیں بن گئی ہیں, جو باؤنڈریز ہیں, انہی کے اندر رہیے, ڈونٹ بی اے ریبیل. اور جب بات کہو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتے دار کا ہی کیوں نہ ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. یہ جسٹس کی بات کا فردر ایمفیسس ہے کہ اگر کوئی بات تم سے پوچھی جاتی ہے, کوئی گواہی کا بھی معاملہ آتا ہے, تو چاہے تمہارے رشتے دار کی بات ہوگی تمہیں گواہی غلط نہیں دینی. یعنی بی جسٹ, ایمانداری سے کام کرنا ہے. بھلے ہی میں نے دیکھا ہے کہ میرے بھیا نے خون کیا ہے اس کا, تو آپ کو کہیں گے جی میرے بھائی نے مرڈر کیا ہے. بی اے وٹنس ٹو اٹ, جو سچ بات ہے وہ کہنی ہے, سچ کو بولنا ہے, سچ پہ چلنا ہے, غلط بات نہیں کرنی ہے. یہ ایک سوسائٹی کے لیے بڑا ایک اہم میسج بھی ہوتا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. نیکسٹ پلیز. اللہ تم پر اپنی کتاب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے اور اس سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے, تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اس ورس کو میں نے جان کے اس لیے چنا ہے کہ جہاں انسانیت کی عزت کی بات تھی, وہاں یہ دو جگہوں پہ قرآن کلیئرلی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کسی گروپ میں ہیں اور اس گروپ میں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, پروفیٹ کو برا کہا جا رہا ہے. تو میں اگر ایوریج مسلمان ہوں آج والا, تو میں کہوں گا کیسے لائیو چاقو کہاں پر ہے, کیوں اللہ کو برا کہہ دیا, رسول کو برا کہہ دیا, میری شان پہ بٹا لگ گیا. کیونکہ ہمارے یہاں کنسیپٹ جو کامن ہے کہ ہم اللہ رسول کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن ان کے میسیجز کے ساتھ جینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیٹ از دی آئرنی. کلیئر کٹ دو جگہ قرآن یہ کہتا ہے, یعنی جب وہ لوگ ٹاپک چینج کر دے پھر جڑ جاؤ جا کے, یعنی ایون ڈسکنیکٹ ہونے کو بھی منع کرتا ہے, چاہے جائے کہ آپ انہیں مارو جا کے. پڑوس کے دیش میں کیا ہوتا ہے, رسول کی شان میں گستاخی ہوگی, مذاق بنا رکھا ہے, ہمیں شرم آتی ہے, پھانسی لگا دو, رسول کی شان میں گستاخی کر دی. دس از ناٹ اسلام. دو جگہ کلیئر کٹ قرآن یہ بات کہتا ہے, کیونکہ آپ کو ڈسکنیکٹ, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ہیومینٹی کے بانڈس آر اسٹرانگ دین اینیتھنگ ایلس, اور ہیومینٹی کے بانڈ کو اللہ نے اپنا وعدہ بتایا ہے کہ جو تم نے عہد کیا اللہ کے ساتھ کہ تم ایک ہیومینٹی کے ساتھ جوڑ کے رہو گے, اس پہ تمہیں رہنا ہے. اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ کلیئرلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کی آیتوں کا یعنی قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, برا کہا جا رہا ہے. اور دوسری جگہ کی آیت وہی کہہ دی, اگر تم وہاں سے ہٹنا بھول جاؤ تو کوئی بات نہیں, ان کی کرنی ان کے ساتھ ہے, تمہاری تمہارے ساتھ ہے. اور وہ ٹاپک چینج کر دے پھر ان کے ساتھ جڑ جاؤ, رشتے مت توڑو. اب سوسائٹی کو بنانے کے لیے, جوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اسٹرانگ میسج کیا ہوگا کہ شدید ہیٹریٹ کے انوائرمنٹ میں بھی آپ کو سوسائٹی سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی جڑا رہنا ہے. کیونکہ پیچھے جو آپ حکم دیکھ کے آئیں کہ اچھا ہی بولنا ہے, اچھا ہی کرنا ہے, برا نہیں کرنا ہے, یہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں.
کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے, کچھ دل یہ سوچ رہے ہوں گے تھیوریٹیکل باتیں ہیں یقیناً, کیونکہ ان کو کرنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جو جانور ہے اندر اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ وہی جانور ہے جو انسان کو سچوانوں میں جانور بنا کے بالکل نیچے گرا دیتا ہے, جو سورہ 3 میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وی ہیو کریٹڈ ہیومن بینگس ایز بیسٹ آف دا کریشن, ثم رددناہ اسفل سافلین, دین وی پش دیم ٹو دی ورسٹ آف دی ورسٹ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایکسپٹ دوز پیپل ہو ایکوائرڈ فیتھ اینڈ ڈڈ گڈ ٹو ادرس who did corrective measures for the society, amle sale, corrective measures for the society, society mein jo kuch kharabi hai usko theek karne ke liye wo log mustaqil kaam karte hain, they always work for the welfare of the society, not for Muslims, welfare for the society. To jo log ye nahi karte wo best of the creation se worst of the creation ho jate hain, yani insaan hi is duniya ka sabse achha creation hai aur insaan hi is duniya ka sabse worst creation hai. کیونکہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کے گلے میں ٹائر ڈال کے آگ نہیں لگاتا, یہ کام صرف انسان کر سکتا ہے. تو اس سے گراوا بھی کوئی جانور نہیں ہے, ویکتی نہیں ہے, اور اس سے اچھا بھی کوئی آدمی نہیں. ڈفرینس کس چیز کا ہے کہ واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ, کیا آپ سوسائٹی کے لیے اچھے کام کر رہے تھے تو آپ اس اچھی جگہ پہ بنے رہیں گے, آپ کے اچھے کام آپ کو اس اچھی جگہ پہ بنا کے رکھتے ہیں, اچھے کام بند کر دیں گے آپ پھسلنا شروع ہو جائیں گے اور گڈھے میں آ پڑیں گے. تو اس گڈھے سے بچنے کے لیے, اپنی پوزیشن مینٹین رکھنے کے لیے, جو ایوالوشن نے آپ کو دی ہے, آپ کو ہمیشہ سوسائٹی کے لیے اچھے کام کرنے ہیں, کریکٹیو میجرز کرنے ہیں, جتنی انیکوالٹیز ہیں سوسائٹیز کے, ڈس آرڈرس ہیں, ان کو چیک کرنا ہے, ان کو چینج کرنا ہے. نیکسٹ پلیز. اب دوسرا, میں سروس ود ریسورسز کی بات کرنا چاہتا ہوں. سر آئی نو یو مسٹ بی ویری بزی, کین یو گیو می سم ٹائم؟ اجازت ہے مجید صاحب تھوڑا سا اور؟ آپ لوگ تو آئی تھنک کمفرٹیبل ہیں. یا وائنڈ اپ کروں؟ تھوڑا سا ٹائم اور دے دیے. سروس ود ریسورسز میرے پاس جو ہے وہ مجھے دوسرے کو دینا ہے. اس کے لیے جو پہلی ورس ہے, ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارا پرماتما ایشور وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے. مجھے لگتا ہے اس سے بڑا سوشلزم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا. دی گاڈ سیز دیٹ واٹ ایور وی ہیو کریٹڈ آن ارتھ اٹ از مینٹ فار آل آف یو. اور نیکسٹ پلیز, اس کے لیے میں ایگزامپل لیتا ہوں اس پلانٹ کی. یہ ہائپوتھیٹیکل پلانٹ ہے کیونکہ اب ہے جینیٹک انجینئرنگ کا زمانہ, لیکن ایسے پلانٹ نہیں بنے جس میں ٹماٹر آلو ایک ساتھ آئے, ابھی نہیں بنا. اس میں دکھانا کیا چاہتا ہوں, یہ جتنے گرین پارٹس ہیں پلانٹ کے, ان میں فوٹو سنتھیسز ہوتی ہے, گلوکوز بنتا ہے. کلر کے حساب سے پلانٹ کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں, گرین اور نان گرین. گرین لیوز ہیں اس کی, اور نان گرین اس کی روٹس ہیں, برانچز ہیں جن کا ہرا رنگ نہیں ہے. روٹس بہت میسیو اور موٹی موٹی ہوتی ہیں زمین کے اندر. درخت کا جتنا اوپر گھیرا ہوتا ہے زمین کے, کینوپی جس کو کہتے ہیں, اس سے بڑے ایریے میں اس کی روٹس ہوتی ہے. میں ایک باٹنی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس نے میری بات پہ یقین کر لیجیے. اور یہاں جو باٹنی کے لوگ اگر بیٹھے ہوں گے, کیونکہ ایک میں ودیالے میں ہوں, وشو ودیالے میں, تو ناممکن ہے کہ باٹنی کے لوگ نہ ہوں. جتنی کینوپی ہے اس سے زیادہ روٹ کا ایریا ہوتا ہے پلانٹ کا. تو روٹ اتنی ہی زمین کے اندر پڑی ہوئی ہے, اس کے پاس ہرا رنگ نہیں ہے کیونکہ اس کو لائٹ نہیں مل رہی, اور نیچر میں کوئی چیز ویسٹ فل نہیں ہوتی. تو اس کو کلوروفل دیا ہی نہیں اوپر والے نے, کلوروفل اس کو دیا جیسے روشنی آنی ہے. اب یہ ہری پتی جو ہے کلوروفل سے, فوٹو سنتھیسس سے شوگر بناتی ہے, گلوکوز, اور وہ گلوکوز فوڈ ہے پورے پلانٹ کا. تو یہ پتی اپنی محنت سے جو گلوکوز بناتی ہے, اس کو بناتی ہے, فوراً ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے ان پارٹس میں جہاں گرین کلر نہیں ہے. سی دی بیوٹی, وہ لیف جو شوگر اپنی محنت سے گلوکوز بنا رہی ہے, اپنے پاس نہیں روکتی, فوراً اپنی سوسائٹی کو ان پارٹس کے ٹرانسفر کر دیتی ہے جن کے پاس نہیں ہے کھانے کو. This is equitable distribution of resources. اور اس کے لیے ایک لا ہے جس کو لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں. ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن, یا فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. نیچر میں ہر چیز اپنی کم والی جگہ سے, سوری زیادہ والی جگہ سے کم والی طرف جاتی ہے. تو شوگر جیسی بنی, ڈیفیوژن اس کو لے گیا ان پارٹس میں جہاں شوگر نہیں ہے. روٹ کو فیڈ کیا اس نے,
ये डिफ्यूजन वो है कि अगर ये हमारी बॉडी में रुक जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी गैस एक्सचेंज लंग्स में डिफ्यूजन से होती है। हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को टेकअप कर रही है, वो डिफ्यूजन के फोर्सेस है। तो डिफ्यूजन किसी भी जीव की बॉडी में अगर रुक जाता है तो वो मर जाएगा, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं होगी, घुटके मर जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिस्म को। ये डिफ्यूजन हमें ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी एज पर नीड, नॉट एज पर ग्रीड, जो हमारी सोसाइटी में होता है। मुझे जब पैसा मिलता है तो वो मैं समझता हूं मेरा है, मेरी फैमिली के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। मैं बड़ी बड़ी इमारतें बनवाता हूं, हाजा मिन फजल रब्बी लिख के लगाता हूं कि ये मेरे अल्लाह का, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, उसका फजल है जो मुझे मिला है। मिला था इसलिए नहीं मिला था कि जो जिंदगी एक कमरे में गुजर सकती है उसके लिए तुम 256 कमरों की बिल्डिंग बनाओ। दिस इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी देखिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या एक्स्ट्रावेगेंस है, दिस इज एंक्रोचमेंट अपॉन द एक्सेसिबिलिटी राइट्स ऑफ द अदर्स। याद रखिए हमेशा इसे। मैं आज बहुत सारा खाना खरीद सकता हूं, खाता हूं और थोड़ा सा खा के फेंक देता हूं, और मुझसे कोई सवाल करता है तो कहता है वेल आई कैन अफोर्ड इट। मैं बहुत सारी डिश मंगाता हूं लेकिन एक एक निवाला चक्के कहता हूं ले जाओ इसे, तो समझदार ये कहेंगे कि यू कैन अफोर्ड इट बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट, दैट अवर फूड इज वेस्टेड लाइक दिस। ये जर्मनी में होता है, वहां के रेस्टोरेंट में जाके अगर आप फूड वापस दे दीजिए तो आप पे पुलिस आती है, फाइन कर देती है, बहुत अच्छा वाला। वो ये कहते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना वेस्टेज इस फूड का, दिस इज वेरी प्रेशियस। तो ये रिसोर्सेज यानी ये जो नेचर है, देखिए सबसे बड़ी टीचर नेचर है, अगर आप आंखें खोल के देखें। और यही उस फलसफे के पीछे है कि कण कण में भगवान जो कहा जाता है, जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की करिश्मों की झलक मौजूद है। देखने वाली आंख होनी चाहिए, दीदाए बीना होना चाहिए, उसी को हम कण कण में भगवान कहते हैं। हर जगह वो है, देखने वाली आंख होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि वो देखने वाली आंख अपने बच्चों में पेरेंट्स और टीचर्स बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो फेलियर है ये। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर बच्चों की ये देखने वाली आंख हम डेवलप नहीं कर रहे, सिर्फ क्यूरिकुलम पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो उस बच्चे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। वो कॉन्शियसनेस बच्चे की नेचर के लिए अगर हम डेवलप नहीं कर रहे, ह्यूमैनिटी के लिए डेवलप नहीं कर रहे, तो समवेयर वी आर फेलिंग। और ब्रिटिश साम्राज्य आने से पहले हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम यही था, यही आंख डेवलप की जाती थी, उसको नौकरी के लिए पढ़ाया नहीं जाता था। ये कॉलोनियल लेगेसी है जो हमारे साथ चल रही है। बहरहाल ये हमारा हिस्सा है, लेकिन इसको कैसे हम थोड़ा सा सुधार सकते हैं, बच्चे के अंदर थोड़ी सी ये जागरूकता पैदा करके, ये उसका विजन डेवलप करके, कि उसको ये समझना चाहिए कि ये मेरी एजुकेशन मुझे और क्या सिखा रही है। ये आंखें खोलने के लिए, बंद खिड़कियां खोलने के दिमाग के लिए होती है एजुकेशन, कि जो उसको सेंसिटाइज कर सके टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड इट्स इश्यूज, जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज आज बहुत हैं, थोड़ा सा आगे जिक्र है। एनीवे थोड़ा सा मैं तेज चलता हूं, चलिए सब नेक्स्ट प्लीज। ये जो आयत है ये हमें बता दिए कि वही है जिसने तुमको जमीन का खलीफा बनाया, यानी वाइस जेरेंट कस्टोडियन, और तुम में से कुछ लोगों को ये दर्जे कुछ लोगों के मुकाबले में ज्यादा बुलंद रखे, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। यानी हमें अगर किसी को कुछ ज्यादा मिलता है तो आजमाइश होती है कि व्हाट वी आर डूइंग विद दिस एक्स्ट्रा मनी। ये वर्ड्स पहली बात तो ये बताती है कि ये ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन बींग्स का प्लेनेट पर रोल डिक्लेयर करती है कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ रिसोर्स, वी आर नॉट कंकरर्स ऑफ नेचर, वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ नेचर, वी आर कस्टोडियंस ऑफ इट्स रिसोर्सेस। अमानतदार हैं हम, अमीन हैं। ये अमानत हमें मिली है, इसको हमें अच्छा रखना है और आगे वाली जनरेशन के लिए अच्छा छोड़ना है। और अगर हम में से किसी के दर्जे किसी चीज में ऊपर हैं, तो वो ये देखने के लिए है कि मैं इस पोजीशन को, इस माल को, इस संपत्ति को किस लिए इस्तेमाल करता हूं, क्या ह्यूमन वेलफेयर के लिए करता हूं या अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए करता हूं। नेक्स्ट प्लीज। ये मिसाल है उसकी जो बात मैं आपसे कह रहा था। ये मेरे हाथ के खेटे हुए फोचू है। ये इस फंक्शन में मैं अनफॉर्चुनेटली मौजूद था, जिसमें खाने इस तरह से पड़े हुए थे, खाने के बाद डस्टबिन के अंदर,
اور دوسری طرف وہ بچے ہیں جب یہ کھانا باہر جائے گا تو اس میں سے اٹھا کے یہ کھائیں گے. آپ یہ بتائیے اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اس کی جگہ میں ہو سکتا تھا, میری جگہ یہ ہو سکتا تھا. اٹ از این ایکسیڈنٹل برتھ. میں اگر آج اس گھر میں نہ پیدا ہوتا جو مجھے یہاں تک لے کے آیا, ان ٹیچروں نے مجھے نہ گروم کیا ہوتا, تو میں اس کی جگہ بیٹھا ہوتا. تو اٹس اے میٹر آف اپارچونیٹیز, اور اپارچونیٹیز کون دیتا ہے؟ سوسائٹی. اگر میرے گھر کا میرا بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے, 1,00,000 روپے سال کی فیس میں جاتا ہے, تو میرے یہاں جو میڈ آ رہی ہے اس کے بچے کو کم از کم گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کرا کے اس کو تو سپورٹ کر لوں میں. اگر میں نہیں کرتا تو یہ کیسی انسانیت ہے؟ کیا میں صرف اپنے بچوں کے لیے سوچوں گا؟ ان بچوں کے لیے کون سوچے گا؟ یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. وی آل آر ریسپانسبل, یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. تو یہ بہرحال ڈیبیٹیبل چیزیں بہت ساری ہیں, اور یہ ویسٹیج کے لیے منع ہے. اور بیجا خرچ یعنی استعمال نہ کرو, بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ڈونٹ بی ویسٹفل, ویسٹفل ایٹیٹیوڈ کو منع کیا گیا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ریسورسز. اور یہ ریسورسز صرف مانیٹری نہیں ہوتے, یہ ٹائم, یہ ایفرٹس, یہ نالج, یہ ایجوکیشن, ہر چیز پرپزفلی یوز ہونی چاہیے. اور پرپز کیا ہو؟ سروس ٹو ہیومینٹی. کوئی اور پرپز نہیں ہے, پرپز ایک ڈیفائن ہے کہ سروس ٹو ہیومینٹی. جتنے آپ کے ریسورسز ہیں, آپ کے پوٹینشیلس ہیں, آپ کی کیپیبلٹیز ہیں, ان کا میکسیمم یوٹیلائزیشن فار دی سروس آف ہیومینٹی ہونا چاہیے, ویسٹ فل نہیں کرنا چاہیے. اس آیت کے ہوتے ہوئے مجھے معاف کیجیے گا اگر میں بات پوچھوں, کتنی مسلم فیملیز ہیں جو سمپل شادی کرتی ہیں, شو بازی سے, دھوم دھڑکا سے. اب تو کارڈ بھی بکلیٹ کی شکل کے آتے ہیں, 200-250 روپے کا ایک ویڈنگ کارڈ. جتنے کارڈ آپ نے بانٹے جتنے پیسوں کے, اس میں غریب بچی کی شادی ہو جائے گی. کانٹ بی تھنک لائک دیٹ. کیا بہت مہنگا کارڈ بانٹنے سے میں بڑا آدمی بن جاتا ہوں؟ میری نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے تو مجھ سے زیادہ نیچ اور چھوٹا کوئی نہیں ہے. معافی چاہوں, لیٹ می سے اٹ, جس کو برا لگے میں معافی چاہوں گا. لیکن میرا اسیسمنٹ یہی ہے کہ جو اس طرح پیسے پھینک پھینک کے اپنا بڑاپن دکھانا چاہتا ہے تو اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے, اس سے چھوٹا دماغ کوئی نہیں ہے, اس سے چھوٹی وچار دھارا کوئی نہیں. اور یہ چیزیں کبھی میرے ملک میں, میرے دیش میں تھی نہیں. میں نے جو بچپن سے دیکھا ہو, جو میری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, کیا پہلے لوگ پاس پیسے نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے. یہ ایگزیبیشنزم نہیں تھا, یہ دکھاوا نہیں تھا, یہ دکھاوے کی زندگی نہیں تھی, یہ شوبازی نہیں تھی. کیونکہ کارپوریٹرس نہیں آئے تھے ان کو کسٹمرز پیدا کرنے, انہیں گاہک پیدا کرنے. آج چھوٹا سا بچہ گروسری شاپ پہ آتا ہے ہمارے محلے کی, کاؤنٹر پہ ہاتھ نہیں جاتا, وہ ایسے 5 روپے کا نوٹ اوپر رکھتا ہے, انکل شیمپو دے دو. وہ 5 روپے میں جھوپڑ پٹی میں کسی کے لیے شیمپو لے کے جا رہا ہے, کیونکہ ٹیلی ویژن نے اس کو شیمپو کا یوز سکھا دیا. یہ جو کنزیومرزم ہے, یہ سب اسی کا کھیل ہے. لیکن ہم کوشچن کیوں نہیں کرتے؟ میرا صرف بنتی آپ سے سوال یہ کہ وائی ڈونٹ وی آسک کوشچنس, کہ کیا اس پیسے کا اور اچھا یوز نہیں ہو سکتا؟ کیا میں اور اچھے کام نہیں کر سکتا جس سے کسی کا بھلا ہو؟ ان کارڈوں کو بانٹ کے, یہ لیوش کھانے اور دعوتیں کر کے کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ آپ خود سوچیے, آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے کس کے گھر شادی میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ نو ون ریممبرس. لیکن مدر ٹیریسا کو آج آپ لوگ یاد رکھتے ہیں. دوسروں کا بھلا کرنے والوں کے لیے, سیوا کرنے والوں کو, جن کو مہاپرشم گنتے, کبھی سائی بابا کہتے ہیں, کبھی ان کو خواجہ چشتی کہتے ہیں, کبھی خواجہ نظام الدین کہتے ہیں, دوسروں کا بھلا رکھنے کرنے والوں کو اب ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ نیکسٹ پلیز. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اپناؤ کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے, اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ سروس ٹو دی ہیومینٹی. کیونکہ جتنی ڈیوائن گفٹس ہیں وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیے, اس ہوا کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, اس پانی کا کوئی دیش نہیں ہے, کوئی دھرم نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, ادھر سے ادھر بہتا رہتا ہے. تو جتنے نیچرل ریسورسز ہیں, جو اسینشلس ہیں لائف کے لیے, وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے. وہ ڈیفیوژن کے حساب سے فلو کرتے ہیں کہ جہاں جائے. یہ جو ہوا چلتی ہے, آندھی آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ کہیں پہ ایئر پریشر لو ہوا, بیلنس بگڑ گیا, چاروں طرف سے ہوا بھاگ کے آ رہی ہے اس بیلنس کو پورا کرنے کے لیے. کیونکہ پرکرتی میں, نیچر میں ہر چیز بیلنس کے ساتھ ہے. انیکوالٹیز نہیں ہے, ایکوالٹی ہے, بیلنس ہے. بیلنس از دی رول آف لا ان نیچر.
नेचर में हर चीज में बैलेंस मिलेगा, डिसबैलेंस सोसाइटी नहीं है नेचर में। तो ये बैलेंसेस हैं, इसके लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। यहां ये बताया गया है कि अगर तुमने किसी को कर्ज दिया और वो कर्जदार का हाथ तंग है तुम्हारे पास, तुम्हें देखते हो वो पे बैक नहीं कर सकता आपका डेट, आपका कर्ज नहीं लौटा सकता, तो उससे तकाजे मत करो, बल्कि उसको तुम सदका कर दो, उसे दे दो तो ज्यादा अच्छा है। यानी जरूरतमंद को पैसा देने के बाद हम दुकानदारों को देखते हैं, कारीगर को, उसने कुछ पैसे दे दिए, अब रोज पूछता भी तू मेरे पैसे नहीं दे रहा, उससे हम यूज करते हैं प्रेशर उसके ऊपर कि वो काम करता रहे, लेकिन वो अंदर से टूट रहा है, हमें एहसास नहीं होता कि ये इंसान है, इसकी जरूरत है। मैं रोज इसको शर्मिंदा करता हूं ये कह के कि मेरे पैसे वापस दे, जबकि उस पैसे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लाखों के गल्ले पे बैठ रहा है उसको 2-5-10 हज़ार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको हैंडल के तौर पे यूज करता हूं उसको कसने के लिए। दिस इज इनह्यूमन, नहीं करना चाहिए हमें। नेक्स्ट प्लीज। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और फख्र जताते हैं, प्राउड पीपल, और खुद कंजूसी करते हैं और दूसरों को कंजूसी करने के लिए उकसाते हैं। बुखल कहते हैं उर्दू में कंजूसी को, यानी अपने आप को बड़ा समझना, घमंड करना, ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, मना किया जाता है। अपने को बड़ा मत समझो, घमंड मत करो, और कभी भी कंजूसी मत करो, हाथ खुला रखो, जिसकी जरूरत है उसे पूरा करते रहो। नेक्स्ट आ जाइए, एनवायरमेंट, दूसरे रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज की मैंने बात करी थी, जो संपत्ति है, माल दौलत है, और दूसरे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट के लिए बड़ी क्लियर कट गाइडेंस हमें मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। कि जमीन में फसाद बरपा ना करो जबकि इसकी इसलाह हो चुकी है, यानी जमीन जब बैलेंस बनाई जा चुकी है, और खुदाई को पुकारो खौफ के साथ और उम्मीद के साथ, यकीनन अल्लाह की रहमत मोहसिन के करीब है। वही बात फिर आ गई कि जो लोग दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं अल्लाह की मर्सी उनके पास है। ये वर्ड्स हमें क्लियरली ये कहती है कि डोंट क्रिएट डिसबैलेंसेस, करप्शंस ऑन अर्थ। और बेसिकली आज आप देखें पॉल्यूशंस को, या जो आज हालत होती है एनवायरनमेंट की, तो उसकी कहानी हमारे से शुरू हुई है। ये कचरा हमारे घरों का था जो पानी में गया है, हमारी इंडस्ट्रीज का था जो पानी में गया है, हमारी इंडस्ट्रीज के इफ्लुएंस थे जो हवा में गए हैं, जिनसे पूरा एनवायरमेंटल एक डिसबैलेंस हमें मिलता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, सर्दियों में दिल्ली में जो स्मॉग की हालत होती है मैंने देखी है, कितनी बर्निंग होती है, गला जलता है, घुटन होती है, ये सब चीज़ें हमारे हाथों से हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं सोचते कि हम सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए कुछ डैमेज कर रहे हैं, तो इस डैमेज को ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। इसको कुरान फसाद कहता है, और इस फसाद को ठीक करने वालों को इस्लाह कहा जाता है। कौम मुस्लिहीन द पीपल हु डू करेक्टिव मेजर्स, कौम मुफसिदीन द पीपल हु आर द करप्टर्स ऑफ द लैंड। तो ईश्वर ये कहता है कि जो मेरे बिलीवर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड बी द करेक्टर्स ऑफ द डिसऑर्डर्स, दे शुड नॉट स्प्रेड डिसऑर्डर ऑन अर्थ। ये भी उसी चीज की चीज है, क्योंकि रिसोर्सफुल यानी रिसोर्सिस का वेस्टेज जो है उसको भी करप्शन कुरान कहता है कि बेजा खर्च यानी इस्तेमाल करने वालों, हद से बढ़ जाने वालों का कहा ना मानो जो जमीन में फसाद करते हैं और इसलाह नहीं करते। यानी जो वेस्टफुल एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल वाले लोग हैं वो इनइक्वालिटीज फैलाते हैं जमीन पे, कोई अच्छा काम नहीं करते तो डोंट फॉलो देम, उनकी नकल मत करो, उनके कहने पे मत चलो, क्योंकि वो स्पॉयलर्स हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। और ये लास्ट वन वर्ड्स जो है जो ये बताती है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन क्रिएचर्स वो गूंगे बहरे लोग हैं जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। अकल का इस्तेमाल इतना ज़रूरी है, और हमारे यहाँ क्या है कि मजहब के मामले में, धर्म के मामले में सवाल नहीं करना, पाप लगेगा, जो कहा जा रहा है वैसे ही कर लो। वी आर नॉट एंटरटेन टू आस्क क्वेश्चंस, जबकि क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यहां पे गौर फरमाइएगा, दवाब का लफ्ज आया है, इंसान के लिए नास का लफ्ज इस्तेमाल नहीं आया। अरबी में इंसान के लिए नास का लफ्ज आया, दवाब मीन्स क्रिएचर्स। तो ऐसे लोगों को जो अकल यूज नहीं करते, अल्लाह इंसान भी नहीं कह रहा, क्योंकि ये साइंटिफिक बात भी है कि अगर आप अकल यूज करते हैं तो इंसान है, अदरवाइज यू आर नॉट। क्योंकि इंसान और जानवर के बीच में जो फर्क है वो इंटेलेक्ट का ही है, वी आर एन इंटेलिजेंट एनिमल। तो अगर आप इंटेलिजेंस यूज नहीं करते तो आप जानवर हैं। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मैंने स्किप भी किया क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर।
It has been taxing. Bahut shukriya. Mujhe nahi pata ke organizers agar sawal permit karenge to I will be happy to have questions. Mujhe koi aitraz nahi hai. Lekin ye aapke upar depend karta hai. I am ready. Main bahut aapka sahi maano mein shukriya ada karta hu, aabhari hu ki aap logon ne itna waqt diya aur itne dhyan se suna. I am really thankful to all of you. Thank you very much. शुक्रिया परवेज साहब, आपने बहुत ही खूबसूरती से कुरान की आयतों को जो इस तरीके से हमें समझाया है, मुझे लगता है कि ये आज की जरूरत है. हम बेहतर समाज की तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी अपने गिरेबान में झांक के एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करते. अब बारी है अध्यक्षीय भाषण की. मैं आमंत्रित करूंगी हमारे वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर काणी सर को कि वो आए और अध्यक्षीय अपना वक्तव्य दें. राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ में हर साल कुछ सालों पहले मौलाना अब्दुल करीम पारेख लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया और उसी लेक्चर सीरीज में आज हमारे बीच मौजूद डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद मंच पर बैठे हुए श्री अब्दुल मजीद पारेख हमारे यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर विनायक देशपांडे डॉक्टर हिवसे डॉक्टर वीणा दाढ़े और इस लेक्चर को सुनने के लिए जो आमंत्रित गण है वो सारे आमंत्रित भाइयों और बहनों अध्यक्षीय भाषण करने के लिए मैं यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया. करीब करीब एक घंटे से हमने सबने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर असलम परवेज जी का एक भाषण सुना और वो विषय ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी और ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि इस विषय पर चाहे जितना भी बोलो जितने भी एंगल से उसका एनालिसिस करो उतना हमें और गहरी सोच में ले जाने वाला विषय है. बहुत अच्छी तरह से हमने ये देखा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज हमें इसका बहुत फायदा हुआ. प्रेसिडेंशियल स्पीच देने के लिए जनरली ऐसा होता है कि एक समअप करके 10-15 मिनट में अध्यक्ष अपने विचार प्रदर्शित करे ऐसा अपेक्षित होता है. इतनी सारी बातें इतनी अच्छी बातें इस विषय को फोकस में रखते हुए कही गई कि उसको समअप कैसे करना और इसको फिर से क्या कहना ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है. फिर भी एक चीज जरूर है कि कुरान का सहारा लेते हुए हम लोगों को इस विषय के बारे में कहा गया और बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी गई. कुरान हो मतलब किसी भी रिलीजन का कोई भी सो कॉल्ड धार्मिक ग्रंथ हो, गीता हो या बाइबल हो, सब एक ही बात बताते हैं और सबकी सीख एक ही है. ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही और इसी के कारण थोड़ा मैं भी सोचूं कि इस विषय को 10 मिनट में आपके सामने फिर से रखने का अगर मुझे किसी ने कहा तो मैं थोड़ा सा बाइबल को मद्देनजर रखते हुए आपको दो तीन एग्जाम्पल्स देके द सेम टॉपिक आई एम गोइंग टू पुट बिफोर यू द सेम फिलोसॉफी द सेम एनालिसिस आई एम गोइंग टू पुट बिफोर यू. लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना है कि ये जो विषय बना हुआ है तीन शब्दों से ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, इसमें ड्यूटीज और सोसाइटी को जोड़ने वाला बीच में का शब्द टुवर्ड्स जो है वो थोड़ा बाजू में रखिए और सोचिए
ड्यूटीज यानी क्या और सोसाइटी यानी क्या, ड्यूटीज यानी किसकी ड्यूटी, सोसाइटी में रहने वाले सारे नागरिक सारे ह्यूमन बीइंग्स की ड्यूटी, सोसाइटी यानी क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर, ये ब्रॉडली हम सोसाइटी बोल सकते हैं। ये सोसाइटी के लिए हर इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, ये इस टॉपिक का मतलब है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि आजकल सोसाइटी में, जैसे मैं एक खुद घर में बैठा हूं और मैं खुद इंडिविजुअल हूं, तो जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मैं सोसाइटी में आता हूं, ऐसा सबका एक अनुमान है। जैसे ही मैं सोसाइटी में आता हूं तो सबसे पहले मैं ड्यूटीज ये शब्द भूल जाता हूं। आजकल ये बड़ा कॉमन सा फिनोमिनन हम देख रहे हैं, ड्यूटीज हम भूल रहे हैं सोसाइटी की तरफ से। अगर मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी का अगर एक सर्वर हूं, टीचर हूं या नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हूं या ऑफिसर हूं, तो मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी सुबह 10:30 बजे से शुरू हो रही है, 5:30 बजे तक मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी टूवर्ड्स माय इंस्टीट्यूशन, मैं ड्यूटी पे हूं। पुलिस भी बोलता है मैं ड्यूटी पे हूं, ड्यूटी के बाद मुझे कुछ भी चलेगा, लेकिन अभी मैं ड्यूटी पे हूं। ड्यूटी पे ये नहीं चलता, ड्यूटी के बाद चलता है। इसका मतलब हम लोग जब ड्यूटी पे होते हैं तब हमारे लिए कुछ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आई एम ऑन ड्यूटी, आई हैव टू बी ऑन ड्यूटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई शाम को, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूं। तो जब ड्यूटी ये शब्द आता है तो रिस्ट्रिक्शंस बड़े आते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ड्यूटी से बड़े कनेक्टेड है। तो ड्यूटीज टूवर्ड सोसाइटी यानी जब मैं सोसाइटी में एंटर करता हूं, घर से बाहर निकलता हूं, तो मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमने समझ लेना चाहिए। और वो रिस्ट्रिक्शंस अगर मैं नहीं समझता हूं तो उसका इनडायरेक्टली कन्वर्शन होता है राइट्स के लिए। मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार घर से निकला, मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है, आपने मेरे अधिकार को छीन लिया, अधिकार को अतिक्रमण कर लिया, ऐसा कर लिया, तो हम ड्यूटीज भूल जाते हैं और अधिकार पे आ जाते हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब इलिनॉर रूजवेल्ट, ये लेडी जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की पत्नी थी, ये चेयरमैन बन गई यूनाइटेड नेशंस कमीशंस फॉर ह्यूमन राइट्स की। और वो चेयरमैन बनने के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर इतना होने के बाद सारी हानि हो गई, ह्यूमैनिटी की हानि हो गई, तो कुछ तो भी अच्छी चीजें करनी चाहिए। टुगेदर द एंटायर ग्लोब शुड डिसाइड ऑन सच अ टॉपिक के शांति से रह जाए। फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आई कि शी शुड प्रिपेयर चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स उसका पूरा एक ड्राफ्ट बनाने से पहले उन्होंने सोचा कि अलग अलग देशों के बड़े बड़े जो नेताएं हैं और जो फिलोसोफर्स हैं उनसे थोड़ी मुलाकात कर ले और थोड़ा सा पूछ ले, इनपुट्स ले ले, ताकि मैं ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स अच्छी तरह से बना सकूं, हमारी टीम अच्छी तरह से बना सके। इसके लिए उन्होंने ड्यूरिंग दोज डेज भारत में आने का फैसला किया, और भारत में आने के बाद सिर्फ दो व्यक्ति से मिलने का उन्होंने सोचा, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनसे मुलाकात कोई इंटरव्यू वगैरह लिया होगा, और दूसरा व्यक्ति जो कोई भी था वो था महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी सेवाग्राम में थे, उनसे वो लेडी जाके मिली रूजवेल्ट मैडम, और उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर यू गोइंग टू मेक योर कमेंट, आर यू गोइंग टू से एनीथिंग, आप बताइए, मैं उसको थोड़ा लिख लेती हूँ और हो सके तो उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। महात्मा गांधी जी ने बताया, मैडम इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रिपेयर द चार्टर ऑफ ह्यूमन ड्यूटीज। अगर ह्यूमन ड्यूटीज सबको अच्छी तरह से अगर आपने बताई, पूरे जग को बताई, तो अपने आप राइट्स विल बी टेकन केयर ऑफ।
तो ड्यूटीज का मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीना है। जब हम लोग पैदा होते हैं, सोचिए, तब जब हम पैदा हुए तो हमें अभी कुछ याद नहीं आ रहा, कैसे हुए, क्या हुए, हमारा बचपन, थोड़ा थोड़ा 3-3.5 साल के बाद थोड़ी थोड़ी मेमोरीज हमारे दिमाग में सबके है। लेकिन जब हम छोटे थे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये हमारा एज था। द बॉडी, द फिजिकल बॉडी, द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग गेट्स ग्रोइंग धीरे 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 धीरे, हम चल भी नहीं पाते। तो वो अपना दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो होती है, कंप्लीटली अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स ब्रेन। धीरे 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 जैसे हम बड़े बड़े हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमें कोई चिंता नहीं रहती, वी आर वेरी हैप्पी। छोटा बच्चा 2 महीने का 4 महीने का बड़ा हैप्पी सा होता है, उसे कोई चिंता नहीं, नो लायबिलिटीज, पैसे कमाने की चिंता नहीं, समझता ही नहीं क्या पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, सारी की सारी चिंताएं छोड़ दी केयर टेकर पे, पेरेंट्स के ऊपर, कैसे भी हाथ हिलाओ, कैसे भी पैर हिलाओ, जब नींद आती है तो सो जाओ, जब भूख लगती है तो थोड़ा सा रो लिया तो तुरंत अपने को दूध मिल जाता है, खाना मिल जाता है, बड़ी अच्छी जिंदगी होती होगी वो। अब हम यहाँ बैठे थे, जब हमारे मेन स्पीकर का भाषण चल रहा था, सीधा मेरी नज़र यहाँ से वहाँ जा रही थी, और ये बीच में का जो खाली स्पेस है, एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची वहाँ नीचे बैठी थी, 2-3 साल की। मुझे बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था, इतना इनोसेंट चेहरा, अभी अपनी मम्मी की गोदी में या दादी की गोदी में जो भी हो बैठी हो, लेकिन वो नीचे जमीन पे बैठी थी। ये जो बचपना है, ये जो माइंड है, हम लोग बैठ सकते हैं अभी नीचे, अगर मुझे लगा कि मैं भी उसी की तरफ बैठूं और अपने पैर के जूते निकाल के ऐसे ऐसे घुमाऊं, जो हरकतें वो कर रही थी, किसी की चिंता नहीं, वेरी हैप्पी, नो वरीज, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब नींद आए तो सो जाएंगे, माताजी पिताजी घर ले जाएंगे, चाहे बारिश आए या कुछ भी हो जाए, अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, मेरे को कोई चिंता नहीं, ऐसा उसको लगता होगा, उसको वो फीलिंग ही नहीं है। लेकिन जैसे 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 हम बड़े हो जाते हैं, 10 साल 15 साल, तब हमारे माइंड में थोड़ा 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 इधर उधर का पोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, और फिर हम सोचने लगते हैं। हमें सिखाया जाता है, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, इधर उधर देख के बोलो, हम खुद सीखते जाते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और उसके बाद हमारा माइंड एक पोल्यूटेड माइंड बन जाता है, एंड वी डू नॉट रिमेन प्योर ह्यूमन बींग्स, वी बिकम द मिक्सचर ऑफ ह्यूमंस प्लस एनिमल्स। इसीलिए ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल है मतलब वो सोसाइटी में ही रहना चाहता है। इफ समबडी लाइक्स टू लिव अलोन, मुझे सोसाइटी में रहना ही नहीं, मैं अलोन रहना चाहता हूं, अगर ऐसा किसी को लगता है, आइदर ही इज अ बीस्ट और ही इज अ गॉड, यानी ऐसा एनिमल है वो कि वो नॉर्मल एनिमल नहीं है, ही इज अ बीस्ट, वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ एनिमल विच मे बी डेंजरस, या तो वो एनिमल है जो अकेला रहना चाहता है, या तो फिर ही इज अ गॉड। इसका मतलब फिलोसॉफिकली इसका मतलब ऐसा है कि मुझे इफ आई एम अ गॉड, मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो आई एम अवे फ्रॉम ऑल दीज पोल्यूटेड फैक्टर्स इन माई माइंड। तो इसके कारण अब जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट में मैं 2 इंसिडेंसेस आपको, इंसिडेंसेस की स्टोरीज या माइथोलॉजिकल स्टोरीज, हाइपोथेटिकल स्टोरीज आपके सामने रखता हूं, टेकिंग द हेल्प ऑफ बाइबल। बाइबल में बिब्लिकल स्टोरीज होती है, हर धर्म में या हर रिलीजन में बोलो या कम्युनिटी में बोलो, कुछ ना कुछ छोटी छोटी ये स्टोरीज बनाई जाती है ताकि समाज के लोगों को एक इम्प्रेशन अलग सा पड़ता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज आप बोलिए या पौराणिक कथाएं बोलिए,
तो बिब्लिकल स्टोरीज ये ऐसी पौराणिक कथाएं है जो सच नॉर्मली इमेजिन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं. वी मे अज्यूम दैट इट इज नॉट ट्रू. तो बिब्लिकल स्टोरीज में एक टावर ऑफ बेबल ये टाइटल की एक स्टोरी है. वो स्टोरी ऐसी है कि एक बार सारे लोग समाज के एक पर्टिकुलर रीजन के कुछ काम में जुट गए और उनका काम था कि सीढ़ी ऊपर बनाओ और सीढ़ी से चल के चढ़ के देख तो लेते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई. भगवान गॉड जो भी है वो ऊपर कहीं तो भी है, उसको देखना है तो चढ़ना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन माइंड. तो सीढ़ी बनाते गए और लोग चढ़ते गए और ऊपर द गॉड इंक्वायर्ड विद द एंजल्स, उनके जो असिस्टेंट्स वगैरह जो होते, देवदूत बोलो या एंजल्स बोलो या और कुछ भी बोलो, अरे क्या गड़बड़ चल रही है, मुझे कुछ शोर सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है. तो एंजल्स ने कहा कि वो जो नीचे ह्यूमन बींग्स है वो सीढ़ी बनाते 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 आपको देखने को आ रहे हैं. They want to meet you. तो फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इतनी सारी जनता अगर मुझे देखना चाहती है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा. फिर क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये जो मैंने क्रिएशन किया है ये क्रिएशन में थोड़ी सी कुछ तो भी गड़बड़ी करनी चाहिए. एंड देन गॉड सेड थ्रो लैंग्वेजेस ऑन देम, थ्रो डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन देम. उसके पहले कोई भी लैंग्वेज ही नहीं थी, जैसे कुत्तों की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कौओं की कोई लैंग्वेज नहीं होती, चिड़िया की कोई, यहाँ का कौवा जैसे काव करता है, लंदन में जाओ तो वहां का कौवा भी वैसे ही काव करेगा, कुत्ता जैसे यहाँ भौंकेगा वहां भी कुत्ता वैसे ही भौंकेगा. तो एनिमल्स के जैसे ह्यूमन की एक कम्युनिटी थ्री विदाउट लैंग्वेजेस, एंड गॉड सेड दैट थ्रो डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन देम, और वो क्रिएट किया गया. और देन द ह्यूमन बींग स्टार्टेड क्वारलिंग, एक दूसरे से झगड़ने लगे क्योंकि डिफरेंस महसूस हुआ. मैं ये, हम 10 15 20 25 लोग ये भाषा बोलते हैं, तुम वो भाषा बोलते हो, तुम वो भाषा बोलते हैं. इमेजिन दैट इन अ बिगर वे दैट द डिफरेंसेस स्टार्टेड क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस, और ये सारे डिफरेंसेस बढ़ते गए. फिर इसके कारण तू ये, मैं ये, मैं ये मजहब का, तू वो मजहब का, तो ऐसे डिफरेंसेस बढ़ते गए. एंड द फिलोसॉफी बिहाइंड विच वॉज दैट मेरे पास आने का अगर कोई प्रयास करता है तो उसको अपनी सीढ़ी अकेले खुद बिल्ड करनी पड़ेगी. और अब विद दिस केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंसेस इन द माइंड, मैं भी देखता हूं कि मेरे पास कौन पहुंचता है. ये द टावर ऑफ बिबेल नाम की एक स्टोरी है, और उसी को जोड़ के आगे लिटरेचर में कुछ कुछ लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिखा गया कि ऐसी ही एक कम्युनिटी क्रिश्चियन लोगों की, अब मैं इनकी बात कर रहा हूं समझ लो, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ कम्युनिटी. बहुत सारे घर, 50-60-100 घर थे, बीच में एक चर्च था, लोग भगवान को बड़ा प्यार करते, हर संडे को एक पर्टिकुलर टाइम पे चर्च में जाना या पीरियोडिकली चर्च में जाना और भगवान की प्रार्थना करना वगैरह ये लोग करते थे. उस गांव में एक आदमी रहता था, जॉन समझ लो उसका नाम, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, जॉन समझ लो उसका नाम. वो आदमी ऐसा था कि सबकी मदद करना उसे बड़ा अच्छा लगता था, नो सेल्फिश एटीट्यूड, जो भी मुझसे चाहता है, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं सबको देता हूँ. वो अपना काम धंधे का उसका जो भी था वो छोड़ के बाद किसी को ट्यूशन देना, किसी की मदद करना, किसी को और वॉट एवर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हीम एंड वॉट एवर ही कैन डू फॉर अदर्स, वो पूरा दिन वैसे बिताता था. सारे लोगों को बड़ा प्यारा था वो, अच्छा है, अरे जॉन है, अच्छा आदमी है. एंड ही यूज टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी. तो एक बार, और इसके कारण उसने डिसाइड किया कि चर्च में जाने के लिए मैं ऐसा कोई टाइम वाइम फिक्स नहीं करूंगा, संडे को 10 बजे गए
दो घंटा चर्च में बैठे, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जब मुझे लगेगा तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उतना ही प्यार भगवान से करता हूं जितना और लोग करते हैं। वहां जाने की क्या जरूरत है? दिस वॉज हिज माइंड सेट। एंड वन डे व्हेन ही वॉज वर्किंग, वो एंजल्स मतलब फिर से देवदूत वो आ गया कोई, और उसको पूछा कि आई एम एन एंजल, अ मैसेंजर ऑफ द गॉड, मेरे पास एक लिस्ट है, कैन यू टेल मी द एड्रेसेस, ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वेयर इज द एड्रेस ऑफ मेरी, वेयर इज द एड्रेस ऑफ जूली, वेयर इज द एड्रेस ऑफ कोई हैरी, तो वो बताने लगा मेरी यहाँ रहती है, जूली वहाँ रहती है, देन गो टू दैट साइड, टेक लेफ्ट टर्न एंड वहाँ पे ये आदमी फलाना रहता है। ये सब 5-6-7 एड्रेसेस उसने बताने के बाद ही इंक्वायर्ड, व्हाई आर यू आस्किंग दीज एड्रेसेस टू मी, ये क्यों पूछ रहे भाई मेरे को सबके एड्रेसेस, जो 8-10 लोगों की आपके पास लिस्ट है। फिर उसने कहा कि मेरे पास गिफ्ट का एक पिटारा है और मैं सबको गिफ्ट देना चाहता हूँ, दीज आर द गिफ्ट्स गिवन बाय द गॉड विच आई एम गोइंग टू, मैं जैसे कुरियर वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सप्लाई दिस गिफ्ट्स टू दिस पर्सन। फिर उसने कहा जॉन ने कि वो लिस्ट में मेरा भी नाम होगा, क्योंकि ये सारे लोग बड़े धार्मिक है, बड़े डिसिप्लिन से धार्मिक व्यवहार करते हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं, तो इस मैं भी तो आई ऑल्सो लव गॉड, ये भी गॉड को लव करने वाले, मैं भी गॉड को लव करने वाला हूँ, आई ऑल्सो लव गॉड, सी दैट माई नेम इज देयर इन द लिस्ट। फिर वो एंजल ने कहा नो योर नेम इज नॉट देयर, फिर से देखो नो योर नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट, तो वो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, ऐसा कैसा हो सकता है, मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ भगवान से, लेकिन मेरा नाम वो लिस्ट भी कैसे नहीं है, जो लिस्ट भगवान से आ गई है, पर्सन सुलव गॉड, उनको गिफ्ट भी आ गया है, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट में उसकी वो शाम गुजर जाती है, रात गुजर जाती है, और दूसरे दिन वो थोड़ा उसको नज़रअंदाज करके अपने काम में जुट जाता है। फिर से दूसरे दिन वही एंजल आता है और उसके पीठ पे थिपथिपाता है, वो बोलता है क्या है, सो मुझे मेरे पास और एक लिस्ट है, तो बिफोर द एंजल स्टार्ट्स एनीथिंग ये आदमी बोलता है आज मैं आपको किसी का भी एड्रेस नहीं बताने वाला, आई एम नॉट योर GPS, एड्रेस खुद ढूंढो, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सी मेरी नाराजी है। तो वो एंजल बताता है कि कल मैं जो लिस्ट लेके आया था, दैट वॉज द लिस्ट ऑफ persons हु लव गॉड, बट नाउ टूडे आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ persons हुम गॉड लव्स एंड योर नेम इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब भगवान को जो आदमी प्यारा है, सब लोग तो भगवान को प्यार करते ही है, सब लोग यहां से ऊपर वो सीढ़ी कंस्ट्रक्ट करने के बाद जाने की कोशिश कर रहे, कंस्ट्रक्ट करते करते पहुंचे नहीं, लेकिन तुम गुरु पहुंच गए वहां, सो यू आर द पर्सन हुम गॉड लव्स। तो वो जो भगवान को प्राप्त करने की जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्षमता जो चाहिए, वो क्षमता ऐसी है कि जो ड्यूटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, ये जो जॉन नाम का पात्र है ये कथा में, वो जॉन नाम का पात्र क्या करता था, ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, सारे आजू बाजू के कोई भी आ जाओ मेरी मदद चाहिए तो आई एम ऑलवेज रेडी, मैं खुद जाके लोगों की मदद करता हूँ, मैं कोई भी गुनाह नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं तोड़ रहा हूँ, और ये अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी विल रीच द टॉप ऑफ व्हाट वी वांट। तो अगर वो चीज पानी है तो हमें समझना चाहिए व्हाट आर द ड्यूटीज टूवर्ड्स सोसाइटी। ड्यूटीज टूवर्ड्स सोसाइटी मीन्स क्या है, ये हमारी रोज की जिम्मेदारी जो है वो बड़े ईमानदारी से किसी को ना हर्ट करते हुए अगर हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्यूटीज टूवर्ड सोसाइटी। यही चीज हमने बड़ी अच्छी तरह से हमारे मेन स्पीकर साहब की तरफ मुंह से सुनी है, लेकिन इसका मैं सारांश मैंने आपके सामने रखा हुआ है। हर व्यक्ति जब फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल होता है तो वो मिक्सचर ऑफ ह्यूमन बींग एज वेल एज एनिमल होता है, जैसे मैंने कहा, लेकिन ये फिजिकल पर्सनैलिटी होती है जिसमें मेरे शरीर में सर ने कहा वैसे सारे ऑर्गन्स होते हैं,
ये ऑर्गन्स का भी मुझे ख्याल रखना है. आई वॉन्ट टू कीप माई हार्ट हेल्दी, आई वॉन्ट टू कीप माई लीवर हेल्दी, आई वॉन्ट टू कीप माई मसल्स हेल्दी, ताकि मेरी खुशी मुझे ज़्यादा मिल सके. लेकिन मेरे साथ साथ मेरे अंदर और एक पर्सनैलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज माई इमोशनल पर्सनैलिटी. मेरा मन भी अंदर है. अगर मैं कितना भी अच्छा तंदुरुस्त हूँ, लेकिन मेरा मन ही अच्छा तंदुरुस्त नहीं है, आई एम, मेरा मूड ऑफ हो गया है, आई एम अनहैप्पी, तो ये शरीर भी कुछ काम नहीं कर सकता है. तो मुझे मेरा मन भी खुश रखना है, मुझे मेरा तन भी खुश रखना है, और ये दोनों चीज़ें मुझे ये समझना है कि दूसरे के पास भी है. ये सिर्फ मेरे पास दो चीज़ें हैं ऐसे नहीं, दूसरे के पास भी. मुझे मेरी ड्यूटी करनी है तो मैं उसको फिजिकली तो हर्ट ना ही करूँ, उसको इमोशनली भी हर्ट ना करूँ, उसको मेरी ज़ुबान से भी उसको हर्ट मैं अगर नहीं करूँगा तो मैं उसकी केयर ले रहा हूँ. आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी. सो वी हैव टू बिहेव ऑल्सो इन सच ए वे दैट वी शुड नॉट hurt emotionally, mentally to other, as well as we of course should not hurt physically. मार धाड़ तो करना ही नहीं, लेकिन ये शब्दों की मार देके उसका मन भी जख्मी नहीं करना है. If we understand this, we completely understand what are the duties of every one of us towards society. इस बहाने से, इस लेक्चर सीरीज के बहाने से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ. ये मेरा एज ए वाइस चांसलर पांचवा मौका है यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज की अध्यक्षता करते हुए. ये मेरा पांचवा अध्यक्षीय भाषण होगा, लेकिन हर वक्त, उसके पहले मैं वीसी जो नहीं था तब मैं सामने बैठता था, हर वक्त ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज इतने बढ़िया बढ़िया फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हमारे सामने लाते हैं और इतने बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स हमारे सामने पेश करते हैं कि ताकि हमको सोचने के लिए और हमको वेल बिहेव्ड बनाने के लिए ये लेक्चर सीरीज का बहुत उपयोग होता है. आगे भी इसी प्रकार ये लेक्चर सीरीज सालों साल चलती रहे, सालों साल बढ़िया से बढ़िया स्पीकर्स, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक्स हमें सुनने को मिले उनकी ज़ुबान से, ये मैं एक प्रार्थना करता हूँ. और अगले साल मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, लेकिन यहाँ ज़रूर बैठूँगा. जब तक पॉसिबल है तब तक मैं सामने आके इस लेक्चर सीरीज का आनंद ज़रूर लूँगा, इसकी एक आपको गारंटी देता हूँ. और आई टेक लीव ऑफ यू. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद काणे सर. आपने अपनी बात को बाइबल की कहानी से बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबके सामने रखा. मुझे पूरा यकीन है कि इस हॉल में बैठे सभी लोग आज एक बहुत अच्छा पाठ, एक बहुत अच्छा सबक यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे. अधिक वक्त न लेते हुए मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हूँ, जो कि है आभार प्रदर्शन का. इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर राजू हिवसे जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी. आदरणीय हिवसे जी. मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृती व्याख्यानमालेसाठी व्यासपीठावर मान्यवर व श्रोतागण आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि या व्याख्यानमालेचे यशस्वी आयोजन केलेल्या सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मी आपणासमोर उभा आहे. व्याख्यानमालेनिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विद्यापीठाचे सन्मान्य कुलगुरू डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने आजच्या व्याख्यानमालेमध्ये ड्युटीज टुवर्ड सोसायटी या विषयाची महती श्रोत्यांना पटवून देणारे वक्ते हैदराबाद येथील मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू माननीय डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज, विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉक्टर विनायक देशपांडे, व्याख्यानमालेचे दानदेते श्री अब्दुल माजिद पारेख. ह्युमन चॅरिटेबल ट्रस्ट च्या दान निधीतून सुरू करण्यात आलेली मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृती व्याख्यानमाला निमित्त सन 2007 पासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने दरवर्षी व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात येत आहे. आज हैदराबाद येथील मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू माननीय डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज यांनी ड्युटीज टुवर्ड्स सोसायटी
या विषयावर आपले प्रगल्भ विचार मांडण्याकरिता विद्यापीठाचे निमंत्रण स्वीकारून आपल्या सर्वांचे प्रबोधन केले त्याबद्दल मी त्यांचे मनस्वी आभारी आहे. यासोबतच माननीय कुलगुरूंनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून विचार मांडताना आपणाला बहुमोल मार्गदर्शन केले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानणे मी माझे कर्तव्य समजतो. विद्यापीठाचे माननीय प्रकुलगुरू डॉक्टर विनायक देशपांडे यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे नियोजनामध्ये मोलाचे सहकार्य करून मार्गदर्शन केल्याबद्दल आणि आजच्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. दानदाते श्री अब्दुल माजिद पारेख यांनी आजच्या व्याख्यानमालेच्या वक्त्यांचे परिचय व आपले मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभारी आहे. विद्यापीठाचे निमंत्रण स्वीकारून आजच्या व्याख्यानमालेला उपस्थित राहिल्याबद्दल विद्यापीठ प्राधिकरणीचे सदस्य, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व सर्व निमंत्रित श्रोत्यांचे मी विनम्रप्रमाणे आभार व्यक्त करतो. आमच्या विद्यापीठाचे सर्व गतिविधींना न्याय देणारे पत्रकार बंधू व प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आवर्जून इथे उपस्थित आहे त्याबद्दल मी त्यांचे विद्यापीठातर्फे आभार मानतो. डॉक्टर वीना दाढे, प्राध्यापक हिंदी विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर यांनी आजच्या व्याख्यानमालेचे सूत्रबद्ध संचालन करून आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे. कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजनासाठी विद्यापीठ सामान्य प्रशासन विभागाचे उपकुल सचिव श्री प्रदीप बिनीवाले व त्यांचे सर्व सहकारी यांनी परिश्रम घेऊन उत्तम व्यवस्था केल्याबद्दल मी त्यांचा सुद्धा हार्दिक आभारी आहे. कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरिता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी सहयोग दिला त्या सर्वांच्या प्रति मी शतशः ऋणी आहे. एकदा आपण सर्वांचे पुनश्च धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद हिफ्से सर. अब बारी है अंतिम चरण की. राष्ट्रगीत के लिए आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. सभी से रिक्वेस्ट है कि पोर्च में चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया है, आप जरूर लेकर जाएं. धन्यवाद.